हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं एग्जाम काफी अच्छे गए होंगे, और अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह गई होगी तो जैसे मैंने कहा था वो इस बार हम लोग कवर कर लेंगे और शुरू से लेके चलेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या, फार्माकोलॉजी। बच्चों की डिमांड भी थी फार्माकोलॉजी को पहले स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए, फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल फार्माकोलॉजी क्या है चीज, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहली हेडिंग पढ़ोगे, देखोगे अगर सिलेबस में, तो जनरल फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन है और स्कोप है। इंट्रोडक्शन बच्चों अपने आप में ही थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसके अंदर करीब 10-12-15 टॉपिक हैं पढ़ने वाले, ठीक है, थोड़े से लेंथी टॉपिक है। तो उनको हम बारी बारी 5-5 टॉपिक लेके चलेंगे, डिटेल में समझेंगे, और जैसे मैंने पहले बताया जो सिलेबस है उसी चिपक के चलेंगे, ठीक है। कुछ चीजें नॉलेज वाली होंगी, मैं मार्क करता चलूंगा कि ये नॉलेज के पर्पज से है, याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, और कुछ चीजें याद करनी ही करनी है, उनको तो याद करना ही करना है, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला है। चले ओके, तो आओ स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी क्या कह रहा है फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन में, अगर हम बात करें, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग, ऑब्वियसली बात है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखो, ये जो फार्माकोलॉजी है ना, अगर इसको तुम लोगों ने पढ़ लिया तो मान के चलो दवाइयों के ज्ञाता हो जाओगे। इसमें हम लोग हर एक चीज पढ़ते हैं, वैसे डिटेल में काफी, मतलब सिलेबस में थोड़ा सिलेक्टेड कर दिया गया तुम्हारे, अदरवाइज इसके लिए जो बुक्स आती हैं, जैसे कि आपकी एक KD त्रिपाठी आती है, ठीक है, बहुत हाई लेवल की है, थोड़ी सी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लिपिन कॉट की आती हैं, ठीक है। जो लोग डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, आगे फर्दर डी फार्म के बाद बी फार्म करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक्स हैं। अच्छा, इन बुक्स को पढ़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये बुक्स ऐसी हैं, मतलब अगर इनको पढ़ लेते हो, फार्मेसी में कुछ नहीं करा, फार्माकोलॉजी को अच्छे से समझ लिया, तो समझो फार्मेसी सफल हो गई। पूरा दवाइयों के बारे में नॉलेज है उसके अंदर, एवरीथिंग है ना, आधे मतलब मान के चलो डॉक्टर बन जाओगे, इतनी नॉलेज है। ये सेम बुक्स तुम्हारी MBBS में भी चलती हैं, यानी कि फार्माकोलॉजी वाला जो ये टॉपिक है तुम्हारा MBBS में भी पढ़ाया जाता है। क्लियर है, स्टार्ट करें। चलो, जैसे कि हमने बताया यहां पे लिखाई हुआ है साइंस ऑफ ड्रग, दवाओं की साइंस है। दवाओं की साइंस मतलब दवा क्या है, क्या करती हैं दवाएं, हमारी बॉडी के ऊपर असर करेंगी, हमारी बॉडी दवाओं के ऊपर असर करती है, ऐसा होता है क्या? अब भाई जो दवा खाई है बाद में वेस्ट होकर निकलेगी भी, तो कौन निकालेगा, हमारी बॉडी निकालेगी। हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर किया है, तो उसकी सारी साइंस, उसके अच्छे हमारे इफेक्ट क्या होंगे बॉडी के ऊपर, उसके बुरे इफेक्ट क्या होंगे, एवरीथिंग। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स, जो कि ग्रीक के हैं, एक फार्माकोन जिसका मतलब ड्रग होता है, और लोगस विच जिसका मतलब साइंस होता है, साइंस ऑफ ड्रग, यहां से वर्ड बन जाता है हमारे पास साइंस ऑफ ड्रग। क्लियर है, आगे आते हैं। इट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ, ये डील करता है किसके बारे में बातें करना चाहता है, ऑफ एक्सो, एक्सो देखो एग्जिट मतलब बाहर, वैसे एक्सो, एक्सोजीनसली बाहरी रूप से एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड देखो एक वर्ड आता है ना कि दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं या एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि हमने खुद ने लिए, किसी के द्वारा बोला गया, और वो किसी के द्वारा कौन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए वर्ड आता है एडमिनिस्टर्ड बार बार, ठीक है ना। बच्चे लोग कह सकते हैं यहां पर, हम लोग टेकन भी तो लिख सकते हैं, टेकन ठीक है। अब जैसे मैंने बता दिया ना एडमिनिस्टर्ड, तो ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है थोड़ा सा, इसका मतलब होता है किसी के द्वारा दिया जाना, तो कौन किसी किसके द्वारा दिया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा, तो इसीलिए वर्ड आता है एडमिनिस्टर। टेकन में हम लोग खुद भी ले सकते हैं, है ना। तो कह रहा है ऐसे ये डील करता है इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब दो चीजों के बीच में जब आपस में तालमेल होता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, वो बात की बात है। एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड, जो बाहरी रूप से किसी के द्वारा दिए गए हैं, क्या केमिकल मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल भाई दवाइयां केमिकली तो है, केमिकली तो है दवाइयां, ठीक है ना। तो केमिकल मॉलिक्यूल विद लिविंग सिस्टम, यानी कि बाहरी रूप से जो हमने केमिकल खाया है उसका इंट्रैक्शन देखेंगे हमारे लिविंग सिस्टम के ऊपर, एंड एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, या फिर हम लोग ये देखेंगे कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस ले लिया, सपोज एक वाटर है H2O लिया हमने, उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। फिलहाल वाटर की बात यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात किसी कर रहे हैं, ड्रग की, यानी कि कोई भी चीज जिसको हम खाएं और उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई असर हो, असर मतलब बीमार है, जनरली बीमारी से ही रहता जुड़ा हुआ कि बीमार है, या हम लोग बीमार नहीं है, खा लिया उलझन उलझन लगी, साइड इफेक्ट कर रहा है, पॉइजन की तरह काम कर रहा है, यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर कोई असर आए, हमारी नॉर्मल बॉडी के ऊपर कोई असर आएगा उसे ड्रग कहते हैं, या बॉडी हमारी बीमार है उसे ठीक करेगी तो उसे ड्रग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा आगे, ड्रग का मतलब समझ में आया, फार्माकोलॉजी क्या कर रही है,
ड्रग, सीधी बात होगी यहां पे, सिंपल भाषा में समझें, एक ड्रग का हमारी बॉडी से किस तरीके से इंटरेक्शन होता है उसकी पूरी स्टडी की जाती है यहां पर। इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब है ना पहलू, इस चीज के क्या क्या पहलू हो सकते हैं। इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रग, ड्रग के नॉलेज के सारे पहलू कवर करती है, बट मेनली दोज आर इफेक्टिव एंड सेफ इन यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। लेकिन खास करके उस पहलू पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो कि इफेक्टिव हो, असरदार हो और सेफ हो, सुरक्षित हो यूज करने के लिए एज ए मेडिसिनल पर्पस। अब मेडिसिन देखो, ड्रग एक बड़ा रूप है, ड्रग का एक छोटा रूप क्या है मेडिसिन। ड्रग में से मेडिसिन किसको बोल दिया गया, जो हमारे ऊपर अच्छे असर दिखाती है। ड्रग हम किसी को भी बोल सकते हैं, देखो ड्रग यहां पर डेफिनेशन दे दी है, ड्रग हम किसी को भी बोल सकते हैं, पॉइजन भी ड्रग है, पॉइजन भी ड्रग है, लेकिन पॉइजन मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन कौन होगी, जो हमारे ऊपर अच्छे इफेक्ट डालेगी। क्लियर है, आओ आगे देखें। तो ड्रग के लिए क्या बोल रहा है, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल है जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, लगभग लगभग 100 से 500 यू। यू मतलब इसको हम डाल्टन भी बोल देते हैं कई बार, यू मतलब हो गया 1 यू मतलब एक हाइड्रोजन एटम का मास, 1 यू मतलब इक्वल टू 1 एच एटम मास। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है पता है ना, एक एच एटम की बात हो रही है, 1 मोल की तो 1 ग्राम होती है, 1 ग्राम नहीं, 1 एच एटम की है ना। 1 एच एटम का मास कैसे निकालेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6.022 × 10³, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी उन्हें समझ में आ गया होगा। ये इतने सारे मॉलिक्यूल का मास 1 ग्राम होता है, 1 का निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 100 से 500 यू के बराबर होता है। दिस इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, मैक्रोमोलिक्यूलर किससे इंटरेक्ट करेंगे, ये मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मैक्रोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है मैक्रोमोलिक्यूल। सबसे ज्यादा यहाँ पे देख लो प्रोटीन, प्रोटीन का ज्यादा ध्यान रखना कि प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे, इंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, है ना, ये सब चीजें क्या है प्रोटीन्स हैं। तो इनके साथ इनका इंटरेक्शन, ठीक है, और कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या होता है, व्हाट इज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्स होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सॉरी, रिस्पॉन्स तो हमको पता है किसी चीज को रिस्पॉन्ड कर देना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करेगी बायोलॉजिकली, लिविंग सिस्टम कोई हरकत देना, जैसी दवा खाई कुछ हरकत देगा बॉडी हमारी, बुखार वगैरह ठीक हो जाएगा या पॉइजन खा लोगे तो उलझन होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज द थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक का मतलब क्या हो गया चिकित्सीय, थेराप्यूटिक का मतलब क्या हो गया चिकित्सीय, यानी कि रिस्पॉन्स ऐसा हो जो इंसान को ठीक करे एंड यूजफुल हो। These chemical are called medicine and are used in diagnosis. Diagnosis मतलब diagnosis क्या होता है, कुछ chemical होते हैं ना, जैसे कि blood test करते हैं, कुछ chemicals डाल करके हम check करते हैं कौन सी बीमारी है, तो diagnose करना, check करना कि कौन सी बीमारी है, prevention रोकना and treatment उसका इलाज करना disease का। तो drug का फिर से देख लें एक बारी, chemicals होते हैं जिनका mass कम होता है, ये interact करते हैं macromolecule के साथ जो कि target होते हैं हमारी body में, दवाइयों के target कौन है macromolecules, और प्रोड्यूस करते हैं एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरेप्यूटिक, जब ये रिस्पॉन्स थेरेप्यूटिक होगा, असरदार होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, दिस केमिकल आर कॉल्ड मेडिसिन, तब हम इनको मेडिसिन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया जितना भी केमिकल है पूरी दुनिया में सब ड्रग के अंदर आता है, और जो हमको ठीक करती है उसको हम लोग मेडिसिन बोल देते हैं। क्लियर है, अच्छा ये ड्रग्स के अंदर सब आता है, ऐसा नहीं कि हमको ठीक करेंगे, डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंट रोकथाम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। वर्ड मीनिंग बताते चल रहा हूं, साथ साथ में पॉज करके लिखते चलना जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो, और पता तो है ही, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं, नोट्स का लिंक दे रखा है, क्लिक करेंगे नोट्स सामने आ जाएंगे, ठीक है। चाहो तो पहले नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिर देखो, या पहले देख लो फिर एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक, स्टार्ट कर रहे होगे तो दो दो बार पढ़ लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, पढ़ने मजा आएगा और समझ में भी अच्छा आएगा। चलिए आगे आते हैं, तो हमने ड्रग को समझा, ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्लियर हो गया, ड्रग बड़ा रूप है, ड्रग के अंदर ही मेडिसिन जो हमारे लिए असरदार है, ठीक है ना, ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1966 डिफाइंड ड्रग एज एनी सब्सटेंस। अब WHO ने ड्रग को किस तरह डिफाइन किया, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, या कोई भी प्रोडक्ट हो विच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाए या जिसको इंटेंशन हो, जिसका मतलब इरादा हो, जिसको इस इरादे से यूज किया जाए टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर
जो मॉडिफाई कर दे या एक्सप्लोर करे किसको, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम हमारी बॉडी का, लिवर, किडनी, है ना, ये सब चीजें, और पैथोलॉजिकल स्टेट्स या जो बीमारी वाली कंडीशन है, फॉर द बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए, ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब जो दवाई लेता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट बोलते हैं, है ना, जैसे कि मैंने दवाई खाई तो मैं रेसिपिएंट हो गया, रिसेप्शन, है ना, रिसेप्शन जो गेस्ट आते हैं उनको देखता है रिसेप्शनिस्ट कि क्या कौन कौन आया करके, वैसे रेसिपिएंट उसी वर्ड से आया, आइदर थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक बेनिफिट, है ना, या तो उसका थेरापेटिक असर होगा हमारे को ठीक करेगा या डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। तो ये WHO की डेफिनेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, लर्न कर लो, करना चाहो तो, अदरवाइज चाहो तो छोड़ सकते हो, ऊपर वाला पार्ट भी ड्रग वगैरह वाली सी चीज़ें सही है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे। कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप दो दो चीज़ें मत लिखो, विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई, एक्सप्लोर छोड़ दो, ये छोड़ दो, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, है ना, कैसे करोगे, डिफाइन ड्रग एज एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस कर दो, प्रोडक्ट छोड़ दो, विच इज यूज्ड, बाकी चीज़ें काटते चलना, है ना, नोट सामने होंगे तुम्हारे, क्या लिखोगे, डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपियंट, फिजियोलॉजिकल सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपियंट, आइदर थेरोपेटिक और डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक बेनिफिट, क्लियर है, मजा आया, चलिए आगे आते हैं और मजे लेते हैं, डेफिनेशन, अब एक और डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, ये WHO की थी, फार्माकोलॉजी इज द साइंस, अच्छा फार्माकोलॉजी की ये ड्रग की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसकी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देख लें, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कोई भी चीज, केमिकल वगैरह, दैट इंटरैक्ट विद, जो इंटरैक्ट करती है लिविंग सिस्टम, हमारे लिविंग सिस्टम से, थ्रू केमिकल प्रोसेस, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू केमिकल रिएक्शन करेगा हमारी बॉडी के साथ, ठीक है, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, जो हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो रेगुलेशन लेके आते हैं, रेगुलेशन इन द सेंस कुछ चेंजेस कर देंगे, है ना, कभी एलर्जी कर दी, ठीक कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी को एक तरह से कह लो कंट्रोल करते हैं, उनके साथ जब ये जो सब्सटेंस है बंध जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, एंड एक्टिवेटिंग या एक्टिवेट कर देंगे या इनहिबिट द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, अब जो बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, कैसे बढ़ा देंगे, जैसे मान लो डिप्रेशन है, है ना, बॉडी में, ब्रेन में केमिकल जो बताया था ना, डोपामाइन वगैरह है, ठीक है ना, एड्रेनलिन वगैरह है, इनकी अगर कमी है तो उनको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, पागलपन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, प्रोसेस को कम कर देगा, तो या तो उसको बढ़ाएगा, तो जैसी बीमारी होगी उसी हिसाब से मेडिसिन होगी, उसी हिसाब से केमिकल होता है, कोई चीज़ बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाएगी, तो फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी है, साइंस है स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, ये मेन है, किस तरह के सब्सटेंस हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग सिस्टम, हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे थ्रू केमिकल प्रोसेस, है ना, केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन, दवा खाते हैं तो दवा जाकर कुछ ठीक थोड़ा ना करती है, हमारे साथ हमारी बॉडी में जो पहले से केमिकल मौजूद हैं उन केमिकल के साथ रिएक्ट कर रही है, उन केमिकल के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन करने से क्या होता है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं या कुछ चीज़ें घट जाएंगी, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी चल रहे होते हैं, या तो वो बढ़ जाएंगे केमिकल रिएक्शन और होने लगेंगे या कम हो जाते हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट बनता है उसकी वजह से हमारे बॉडी क्या होगी, रिस्पॉन्स करेगी, क्लियर है ना, जैसे मैंने बताया कि अगर डिप्रेशन है तो वो खास केमिकल बढ़ा देगी, अगर पागलपन चढ़ रहा है तो उस केमिकल को गिरा देगी। खैर आगे आते हैं, फार्माकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब एक तरह से कह लो कि जैसे होता है ना, डिसिप्लिन को हम लोग क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह लो, एक ब्रांच कह लो, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस, डिसिप्लिन ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद, जो कंसर्न है, जो देख रेख करती है, कंसर्न करती है, जो ताल्लुक रखती है, कंसर्न मतलब ताल्लुक रखती है विद द स्टडी ऑफ मेडिकेशंस, दवाइयों की स्टडी का, ऑफ देयर इफेक्ट, दवाइयों की स्टडी, उसके असर ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, और बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब लिविंग सिस्टम, मत लिखो बायोलॉजिकल सिस्टम, ऑन लिविंग सेल्स कर दो, ऑन लिविंग बॉडी कर दो, और द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग फंक्शन इन द बॉडी, या यूं कह लो ड्रग कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, समटाइम नोन एज ड्रग एक्टिविटी, अरे जो ड्रग का काम करना हमारी बॉडी के अंदर, इसको क्या कहलाते हैं हम लोग, ड्रग एक्टिविटीज भी कह देते हैं, क्लियर है, क्लियर है, ओके, फार्माकोलॉजी डील्स विद द नॉलेज ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजी डील्स विद द नॉलेज ऑफ ड्रग, देयर सोर्सेस, अब देखो थोड़ा सा और डिटेल में आ रहे हैं यहां पर हम लोग, तो ये डेफिनेशन घूम फिर कहीं ना कहीं मिली जुली वही बातें हैं,
बॉडी, हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करना, केमिकल प्रोसेस से इंटरेक्ट करना, फिर उसका इफेक्ट आना, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी डील्स करता है नॉलेज, अब इसके अंदर क्या क्या नॉलेज आ जाती है, ड्रग उसके सोर्स की भी बात करेगा, ये ड्रग के सोर्स की बात भी करता है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेगा, है ना। बायोकेमिकल मतलब हमारी बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस क्या करेगा जा करके, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी कि हार्ट बीट घट जाएगी, कि किडनी ज्यादा काम करने लगेगी, ना डायूरेटिक खाओ तो पेशाब ज्यादा आती है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की भी बात करता है, ये काम कैसे करता है, कौन सी प्रोसेस जाकर रिएक्ट करती है ये। एंड थेरोपेटिक, देखो यहां लिख दिया चिकित्सीय हिंदी के लिए, यूजेस ऑफ ड्रग, यानी कि आखिरकार वो किस चिकित्सीय मतलब किन किन बीमारियों को ठीक करेगी, ठीक है। तो ये हो गया फार्माकोलॉजी कहां कहां डील कर रही है, तो यहां पर हर एक चीज में डील कर रही है, वो देख सकते हैं। टोटल नॉलेज एक दवाई के बारे में सारी नॉलेज को पढ़ा जाता है किसके अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर। नाउ फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड हाउ दे एग्जर्ट देयर इफेक्ट। अब देखो घूम फिर के वही बातें हैं, फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजी स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड हाउ दे एग्जर्ट देयर इफेक्ट, और वो अपना असर कैसे एग्जर्ट मतलब डालते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, बात वही है, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, बट यहां पर एग्जाम्पल आया था एक, ये लाइन चाहो तो यहां से बता रहा हूं मैं, है ना, इसको ऐसे कट कर दोगे, मतलब बता रहा हूं मैं, और सीधा इसी लाइन में जोड़ दोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो मैंने कहा था ना कि जब मेरे को पढ़ रहे हो, जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं, वो लकीर का फकीर नहीं बनते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। पैरासिटामोल कैन रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, पैरासिटामोल बॉडी का टेम्परेचर कम करता है, फीवर कम कर देता है, इन केस ऑफ फीवर बाय इनहिबिटिंग एंड, अच्छा इन केस ऑफ फीवर कैसे कर रहा है, बाय इनहिबिटिंग एंजाइम नोन एज साइक्लोऑक्सीजिनेज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लो पकड़ लो बात को, तुम लोग पूछते हो, सोचते हो कि अरे यार पैरासिटामोल कैसे कम कर देता फीवर को, तो देखो कारण क्या है उसका, एक एंजाइम है जो काम बहुत ज्यादा करता है, ठीक है ना, उसके काम को क्या कर दे रहा है, ये रोक दे रहा है। एक्चुअली वो काम इसलिए कर रहा है ताकि बॉडी टेम्परेचर बढ़े, बैक्टीरिया किल हो, ठीक है ना, तो इस एंजाइम के काम को रोक दे रहा है। और एंजाइम कौन सा है, साइक्लोऑक्सीजन ऑक्सीजनेज है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये एंजाइम क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब जो जलन और फीवर वाले कारक पैदा करते हैं, ऐसे कारक पैदा करने वाले एंजाइम को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। पहला, पेंसिलिन क्योर सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेंसिलिन कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकता है, क्योर करता है, ठीक करता है, कैसे, बाय डिसरप्टिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही ये बनने नहीं देता, तो बैक्टीरिया आगे ग्रो ही नहीं कर पाता, मर जाता है, बाय इनहिबिटिंग अ की एंजाइम। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम उसकी सेल वॉल बनाता है, पेंसिलिन उस एंजाइम को ही जाके मर, तो मर, ठीक है, वो मर गया एंजाइम, वो एंजाइम मर गया बेचारे की सेल वॉल नहीं बन पा रही है। अब सेल वॉल नहीं बन पाएगी तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, डिवाइड होता था ना, एक से दो में टूटता है, तो सेल टूट के अलग होती है, नया सेल वॉल चाहिए होता है, मर जाएगा वो, ठीक है। चलो इधर फटाफट, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये फार्माकोलॉजी है, कायदे से पढ़ना इसको, मैं कह रहा हूँ फार्माकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा तो समझो कि फार्मेसी सफल हो गई, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अभी तो जनरल बातें चल रही हैं, अभी इसमें और इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं, आगे आते हैं। और अब क्या कह रहा है, द जनरल फार्माकोलॉजी इन्वॉल्व द एस्पेक्ट्स, मैंने बताया था एस्पेक्ट्स की हिंदी क्या होती है, पहलू, किन किन पहलुओं को ये इन्वॉल्व करता है। फिर वही कहानी आ गई, सोर्सेस ऑफ ड्रग, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यहां पर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हेडिंग भी अपनी पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है, एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं दवाई खाना खाने के बाद खाना, या फिर कई बार डॉक्टर कहते हैं दवाई खाना खाने के आधे पौन घंटे बाद खाना, है ना। तो क्या होता है, पेट में तुरंत तुरंत खाना जाता है तो सारा पेट की लेयर कवर्ड अप होती है, हम दवाई खाएंगे तो वो तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी कि कोई दवा खाली पेट खाते खाना नहीं जब तक डॉक्टर ना बोले, कुछ ही दवाइयाँ खाली पेट खाई जाती हैं, उसका भी अभी सब पढ़ेंगे, क्यों खाली पेट खाई जाती हैं, क्यों नहीं खाई जाती हैं, यानी कि एक ओवर सिंपल सी बात बताऊं, खाली पेट दवाई एब्जॉर्ब जल्दी होती है लेकिन नुकसान भी कर जाती है, इसीलिए खाली पेट खाने को नहीं बोली जाती कुछ दवाइयों को छोड़ के, खासकर गैस वाली, है ना, ये बात तो पता होगी सबको। ओके, तो अफेक्ट देम, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, आखिरकार जब वो एब्जॉर्ब हो गई तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ऐसा ना कहीं पर ज़्यादा चली जाएंगी किसी लिवर किडनी वाले पार्ट में, कहीं पर बहुत कम पहुंच रही है दवाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा बॉडी के अंदर सब पढ़ेंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर जाके दवाई का रूप बदल जाता है कई बार, एक जिस जो मेन केमिकल फॉर्म होता है वो दूसरे केमिकल रूप में आ जाती है। एंड एक्सक्रीशन, फाइनली किडनी से
क्या होती है, फिल्टर होकर के यूरिन के थ्रू बाहर आती है। द मैकेनिज्म बाय विच द ड्रग इज एक्टिंग विद रिसेप्टर, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आई थिंक जानते हो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, रिसेप्टर्स अच्छे समझ लो, जो हमारे सेल्स होते हैं है ना, उन डबल लेयर सेल होती है। सेल की लेयर कैसी होती है, डबल लेयर होती है, पता ही होगा ये बात सबको। इसमें क्या होते हैं, खास तरह के प्रोटीन्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दीज आर प्रोटीन्स, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करेगा, जब कोई केमिकल हम लोग खाते हैं तो केमिकल आकर के यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा आकर के। अब केमिकल आया, इसको सिग्नल मिल गया, ये क्या करता है, सिग्नल अंदर भेज देता है कि चलो भाई ये केमिकल आया है, इसने कहा है कि ये सिग्नल कहाँ पहुँचते हैं, एक्चुअली न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, क्या हमारा डीएनए है जो कि ब्रेन ऑफ सेल की तरह काम करता है ना। न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है डेट इज ब्रेन ऑफ सेल। क्या है ये, ब्रेन ऑफ सेल। सिग्नल आया इसके पास डीएनए का, अच्छा ठीक है ये सिग्नल आ गया, चलो भैया ये चीज बनना शुरू हो जाओ या ये चीज बनना कम कर दो, वो ऑर्डर कर देगा, सेल उस हिसाब से काम करता है। तो प्रोटीन्स होते हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, जो दवाइयां आती हैं वो इन रिसेप्टर्स पे आके लगती हैं। कई बीजों के टॉपिक आएगा अगर तो उसको हम समझ लेंगे और डिटेल में, ठीक है ना, पिक्चर वगैरह लाके दिखा दूंगा अच्छे से, फिलहाल यहां समझते हैं इतनी सी बात। देन टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग एंड द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल इवोल्यूशन। टॉक्सिसिटी, ड्रग का कोई पॉइजनिंग इफेक्ट तो नहीं है। प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल मतलब कि उसको दवाई को मार्केट में आने से पहले और पेशेंट को देने से पहले कुछ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, है ना, तुम्हें पता पहले बंदरों वगैरह पर ट्राई किए जाते हैं, अब तो इंसानों पर भी कर देते हैं, ठीक है। एंड क्लिनिकल इवोल्यूशन, इवन जब दवाई मार्केट में आ गई है, पेशेंट्स लोगों को दी जा रही है, तब भी ध्यान रखा जाता है कि 2-3-4 साल 5 साल कोई बहुत ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों के इफेक्ट 10-10-15-15 साल बाद आते हैं। 3-4 साल प्री क्लिनिकल ट्रायल पर रखा गई दवाई को, कोई असर नहीं दिखाई पड़ा, मार्केट में आ गई, मार्केट में 10 साल से 10 साल के बाद वो खास मेडिसिन खाने वालों के ऊपर कुछ खास असर दिखने स्टार्ट हो गए, है ना, तो वो क्लिनिकल इवोल्यूशन नजर रखी जा रही है। देखा कि 10-15-20 साल कोई असर नहीं है, फिर वो दवा उग के है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, लंबी प्रोसेस होती है, सब आएगा अभी इसके अंदर, यही सब चीजें सीखनी है हमें यहां पर। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, चले आगे, आओ आगे आते हैं। टॉपिक कवर्ड अंडर द जनरल फार्माकोलॉजी, ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में कर ली हम लोगों ने। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे लगभग 15 टॉपिक हैं, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, सम डेफिनेशन आएंगे इसके अंदर उसकी बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ ड्रग ये तुम लोगों का पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर अभी अभी पेपर देके आए हो तो सोर्सेस ऑफ ड्रग में तुम्हें दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। ड्रग नॉमनक्लेचर, ड्रग की नेमिंग कैसे कैसे होती है, रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है, ऐसी संस्थाएं जो देख रेख करती हैं दवाइयां मार्केट में कौन ऐसी नकली तो नहीं आ रही है वगैरह वगैरह, इस टाइप से। द ड्रग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस, ड्रग कैसे डेवलप होती है और कैसे अप्रूव होकर मार्केट में आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक्स है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्सेस है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का, ड्रग का इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, कौन सी मेडिसिन इसेंशियल है, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग कैसे प्रिस्क्राइब की जाती है वगैरह वगैरह, मेडिकेशन एरर, अगर कोई गलती होती है तो कैसे क्या होगा, इरेशनल नॉन इसेंशियल एंड हजार्डस ड्रग, इरेशनल जो रैशनल नहीं है, बेतुके हो गए, नॉन इसेंशियल जरूरी नहीं है, हजार्डस नुकसानदायक, ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक हेडिंग का मैं एक बता दे रहा हूँ। इन द मार्केट फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, एक खास डोज के कॉम्बिनेशन बनाई जाती है मार्केट में, सॉरी दवाइयों में, ठीक है। द मीनेस ऑफ द फेक ड्रग, है ना, नकली दवाइयों के बारे में उसके परिणाम क्या होंगे, उसके क्या कारण है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये सब बातें 15 टॉपिक हैं इसके अंदर, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है, इसीलिए ये इसको हल्के में नहीं लेना। इसके अंदर 5 टॉपिक हैं जो हम लोग आज कवर करेंगे, यानी कि 5 टॉपिक कहाँ तक हो गए हमारे पास, यहाँ तक, रेगुलेटरी ओवरसाइट तक, फिर 5 कवर कर लेंगे और फिर 5 कवर करेंगे अगले लेक्चर में, इस तरीके से किया थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फिर मैं बच्चों एक बात बोलूंगा, सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, बीच में से मत घुसने जाना, एकदम से दिक्कत आ जाएगी, खासकर पहला पहला जो चैप्टर होता है वो तो पक्के से, है ना। नाउ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, तो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करें तो साफ साफ यहाँ तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं। तो 2 ब्रांचेस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ब्रांचेस, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। फार्माकोलॉजी कंटेन 2 मेन ब्रांचेस, इसके 2 मेन ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स। कहाँ जा रहे हो भाई, ओके ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मा
कोकाइनेटिक है ना, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, बॉडी ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है ना। इन दिस वी स्टडी मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग किस तरह मूव कर रहा है, देयर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या रिएक्शन देगा वो, एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंस टू द ड्रग इन द बॉडी है ना, पढ़ते इसके अंदर ये है, फिर फाइनली बॉडी क्या करेगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एब्जॉर्ब करती है, मेटाबोलाइज करेगी, फिर बाहर निकाल देगी। तो यही सब जो है ये क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रखा है क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, सॉल्ट है एक, इज एब्जॉर्ब एट फास्टर रेट बाय द पेरेंट्रल रूट देन द ओरल रूट। क्लोरप्रोमाजीन को अगर पेरेंट्रल मतलब होता है नसों में इंजेक्शन लगाया जाए, है ना, आईवी इंट्रावीनस, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन, और ओरल मतलब खाया जाए, इंजेक्शन लगाया जाए और खाया जाए, तो दोनों में क्या अंतर आता है, कह रहा है इंजेक्शन वाला जो डायरेक्ट नसों में लगता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, कम बजाय इसके कि हम गोली को खाइए, तो बात सबको ही पता है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। इट बाइंड्स विद प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, ये किसके साथ बाइंड होती है, अच्छा ये सब बातें अभी ना डिटेल में होंगी थोड़ी सी बाद में, बॉडी के अंदर प्लाज्मा होता है, टिश्यू प्रोटीन होता है, उसके साथ जाके ये बंध जाती है ये, ठीक है ना। एंड इट इज मेटाबोलाइज इन टू द लिवर, ये कहाँ मेटाबोलाइज होती है, लिवर में, लिवर जाके तोड़ देगा इसको, फाइनली क्या होती है, एक्सक्रीट होती है इन 15 to 30 hours, 15 to 30 hours लग जाते हैं इसको बॉडी से पूरा बाहर निकलने में, बात समझ में आई। देन फार्माको डायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डज, डज मतलब करता है बॉडी को, ड्रग बॉडी को क्या करता है, ठीक करेगा, है ना, प्रॉब्लम जो होंगी। इन दिस वी स्टडी हम पढ़ते हैं इसके अंदर फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट है ना, फिजियोलॉजिकल किडनी हार्ट लिवर पे क्या असर डाल रहा है, बायोकेमिकल हमारी बॉडी में किन रिएक्शंस को करवा रहा है वो, या उनके ऊपर असर डालेगा, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन यहां आ जाएगा, एट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के ऊपर या सेल के ऊपर या मैक्रोमोलिकुलर लेवल, किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर या सेल के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर ये सारे इफेक्ट्स अगर हो रहे हैं तो कैसे होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल एड्रेनालिन ले लिया गया, एड्रेनालिन जो है वो इंटरेक्ट करता है विद एड्रिनो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जो एड्रेनालिन को रिसीव करेंगे। जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब होता है क्या, एक प्रोटीन है इसका नाम क्या रखा गया, जी प्रोटीन रखा गया है, ये क्या करती है, स्टिमुलेट करवाएगी, ये रिसेप्टर है, जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन स्टिमुलेट होगी, बाउंड एडेनाइल साइक्लेस, ठीक है ना। इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर साइक्लिक 3-5-AMP कार्डियक स्टिमुलेशन, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा तुम लोगों को, एंड हाइपरग्लाइसेमिया, हुआ क्या देखो, एड्रेनालिन खाया, उसने इंट्रैक्ट किया एड्रिनो रिसेप्टर के साथ, ठीक है ना। अब जो रिसेप्टर ने क्या किया, जी प्रोटीन मीडिएटेड, जी प्रोटीन के द्वारा जो मीडिएट होंगे, स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन जो कि बंधी होती है किससे, एडेनाइल साइक्लेस एंजाइम से, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, इसको इंक्रीज करवा देगा, ये जो जी प्रोटीन मेडिएटेड स्टिमुलेशन हुआ, इस प्रोटीन के द्वारा स्टिमुलेशन हुआ सेल मेम्ब्रेन का जो कि एडेनाइल साइक्लेस से बंधी हुई थी, ठीक है, ये इंक्रीज करवा देगा इंट्रासेलुलर साइक्लिक 3-5-AMP। अब इसकी वजह से सेल के अंदर ये चीज इंक्रीज कर जाएगी, ये चीज के बढ़ते ही कार्डियक हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलिसिस है ना, ग्लाइकोजन और लाइसिस टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना स्टार्ट हो जाएगा, एंड हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब पता ही है क्या है, शुगर, ठीक है ना। तो ये सारे इफेक्ट इस तरीके से बॉडी के ऊपर आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, चाहो तो याद करना, या कोई सिंपल एग्जाम्पल मिल जाए, देखेंगे जब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जो वहां से कोई सिंपल एग्जाम्पल उठा लेना, मोड ऑफ एक्शन कुछ के पढ़ेंगे हम अंदर से, यहाँ पे तो मैंने देख दिया ना, सिर्फ मोड ऑफ एक्शन है, जरूरी नहीं कि ये लिखना है, अभी हम डिटेल में आगे पूरा पढ़ेंगे, जब पूरी कॉलोजी पढ़ेंगे वहां से कोई भी उठा लो एग्जाम्पल, यहाँ डाल दो, ठीक है। आगे आते हैं अदर ब्रांचेस की बात करें अगर हम लोग, तो अदर ब्रांचेस में इसमें आते हैं फार्माको थेरापियोटिक्स है ना, दो ब्रांच तो मेन हो गई है। इट डील्स विद द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माको डायनेमिक नॉलेज, क्लिनिकली हम दे रहे हैं, फिर पेशेंट के ऊपर देख रहे हैं कि फार्माको डायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक ड्रग्स की क्या है, ठीक है। इन फाइंडिंग अ क्योर ऑफ डिजीज ऑफ रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, और
ऐसा कब करते हैं हम लोग, हमने दवा दी फिर देख रहे हैं किस तरह से दवा एब्जॉर्ब वगैरह हो रही है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है, और किस तरीके से ये सारे जो नॉलेज को इकट्ठा करके हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, क्योर ऑफ डिजीज या सिम्टम से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे वो काम कर रही है, दैट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक। इट इंक्लूड यूज ऑफ ड्रग, इसमें क्या होगा, ड्रग का यूज करेंगे इन द ट्रीटमेंट डायग्नोस और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज और इन ऑल्टरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट। अब देखो दो तीन चीजें हैं, वर्डिंग समझो, किस किस चीज में काम आ सकता है, ट्रीटमेंट के काम में, डायग्नोस के लिए इस्तेमाल किया गया है। ड्रग भाई जाहिर सी बात है उसकी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक देखनी है, तो ड्रग खाई जाएगी। ड्रग खाई क्यों गई है, ट्रीटमेंट के लिए खाई जा सकती है, डायग्नोसिस के लिए खाई जा सकती है, प्रिवेंशन के लिए खाई जा सकती है डिजीज ना हो, अल्ट्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन हार्ट बीट को कम ज्यादा करने के लिए या कोई और बॉडी का फंक्शन को कम ज्यादा करने के लिए। ये सब क्यों किए जा रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट के बेनिफिट के लिए। रिसिपिएंट में बता चुका हूं जो दवाई खाता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, हमने दवाई खाई और उसको अब स्टडी कर रहे हैं, दोनों चीजें यहां कंबाइंड दोनों चीजें स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि हम एक उस दवाई के फायदों को ढूंढ सकें, उस दवाई के फायदों को ढूंढ सकें, ठीक है ना, बात समझ में आई। कुछ और ब्रांचेस देखते हैं हम लोग, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक जहर, जहर की स्टडी, इट इज अ साइंस ऑफ पॉइजन, है ना, जहर की स्टडी। पॉइजन आर सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल एंड डेंजरस और शो फैटल, फैटल मतलब घातक, फैटल मतलब घातक। पॉइजन ऐसे सब्सटेंस है जो हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं या घातक होते हैं, या जो शो करते हैं घातक सिम्टम, ठीक है। देखिए घातक मूवी, नहीं तुम लोगों ने नहीं देखी होगी ना, सनी देओल की, ओके। फैटल सिम्टम इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, दोनों के अंदर, एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। तो साइंस है, टॉक्सिकोलॉजी पता ही है। मैनी ड्रग्स, अच्छा कई बार ऐसा होता है लार्ज डोज में पॉइजन ज़रा काम करते हैं ना, नींद की गोलियां वगैरह लंबे डोज में खा लो तो, या इवन पैरासिटामोल 5-6-7 गोलियां खा लो तो लीवर फेल हो सकता है, तो पॉइजन की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल एस्प्रिन ले लो, इन लेस डोज एक्ट एज एंटीकोगुलेंट, जो ज्यादातर हार्ट पेशेंट खाते हैं एस्प्रिन, डोज लिमिट रहेगी तो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करेगा, बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है ना, थ्रोम्बोक्सिन A2 किसको रोक रहा है उसका यहां पर एग्जाम्पल दे दिया है। ये सब चीजें तुम्हारे टेस्ट में आने वाली है, ध्यान रखना। दस इट इज यूजफुल फॉर हार्ट, जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए फायदेमंद है, बट इन हाई डोज, अगर इसका डोज बढ़ा दिया जाए, कॉज अल्सरेशन एंड कैन लीड टू फैटल ब्लीडिंग, पेट में जाकर के अल्सर पैदा कर सकता है, छाले डाल देगा, पेट की लेयर को खराब कर देगा, फाड़ देगा, ठीक है, लंबे समय तक अगर ज्यादा खाते रहोगे, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है पेट के अंदर और डेथ भी हो सकती है, क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्लियर है ना। कीमोथेरेपी सबको पता है कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है कीमोथेरेपी, ये किससे ताल्लुक रखता है, कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ताल्लुक रखेंगे, एंड पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के ऊपर, पैरासाइट्स लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पैरासाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट जो कि जिंदा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये कीमोथेरेपी उनसे ताल्लुक रखती है। बट नाउ आजकल यूजफुल है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, टारगेटिंग कैंसरस सेल, जो कैंसर के सेल होते हैं उनको टारगेट करता है, मार देता है ये, ठीक है। एक्चुअल काम ये था बट आजकल इस काम में इस्तेमाल लिया जा रहा है कीमोथेरेपी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मतलब पता ही है, पेशेंट को देना और उसको स्टडी करना। इट डील विद द ड्रग एंड देयर क्लिनिकल यूज, क्लिनिकल यूज मतलब क्लिनिक में जाना है ना, पेशेंट को देना। इट गिव यूजफुल डाटा अबाउट द पोटेंसी यूजफुलनेस डोजेज एंड टॉक्सिसिटी ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर देयर सेफ क्लिनिकल यूज, है ना। जब नए नए ड्रग होते हैं तो कुछ खास खास स्पॉट्स पे दिए जाते हैं कि हाँ भैया ओके है, फिर प्री क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल पे आते हैं, फिर वहां पर ड्रग्स को दिया जाता है, फिर उन पेशेंट से राय ली जाती है क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है वगैरह वगैरह, इस टाइप से, जिससे कि हम लोग उसका क्या यूजफुल क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका डोज क्या रहना चाहिए, उसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं और फिर मार्केट में उसी हिसाब से ये चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। नाउ फार्माको एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन पॉपुलेशन, एपिडेमियोलॉजी पढ़ाई है ना, पॉपुलेशन की बात जब होती है तो पॉपुलेशन के ऊपर, एक आध आदमी की तो बात अलग हो गया, पूरे पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है दवाई का, वो भी देखा जाता है। फार्माको इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच स्टडीज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, भाई दवाई बहुत महंगी होगी तो दिक्कत है, गरीब आदमी बेचारा ले नहीं पाएगा, ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट एंड, यानी जिस दवाई का इलाज चले वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ओके ओके हो,
कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन पर्टिकुलरली अमंग सर्टन ग्रुप सच एज एल्डरली एंड एड्स पेशेंट, है ना, जो बूढ़े बाढ़े हैं, कमा ज़्यादा नहीं पा रहे हैं उनके अंदर, और जो एड्स पेशेंट हैं भाई, जो पेशेंट ही हो गए हैं, बूढ़े बाढ़े लोग हो गए हैं, बीमार हो गया, वो कमाएंगे कि अपना इलाज कराएंगे, है ना, जो बीमार हो गया बिस्तर पकड़ लिया, तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत कॉस्टली ना हो। फार्माको जेनेटिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन डेट गिव्स, यहां पढ़ लो, जीन्स में जो वेरिएशन आ रहे हैं जो कि डेट गिव राइज टू डिफरिंग रिस्पॉन्स टू ड्रग्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अब क्या है जेनेटिक वेरिएशन है, तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सी मेडिसिन इंडिया में चल रही है बट अमेरिका में बैन हो चुकी है, वहां पर उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इंडिया में इतना नहीं है ना, कोरोना का भी खैर इंडिया में इतना हुआ सेकेंड वेव में, बट जैसा अदर कंट्रीज में हुआ उस लेवल से अपने कंट्री में नहीं हुआ। तो जेनेटिक वेरिएशन है, सेम ड्रग का इफेक्ट अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है जीन्स में वेरिएशन है, तो वो भी हमको देखना है यहाँ पर, इसकी स्टडी करते हैं कि जीन्स के क्या क्या असर है, है ना, जीन्स में अगर वेरिएशन है तो क्या इफेक्ट आता है। सम पेशेंट रिस्पॉन्ड टू सर्टन ड्रग विद ग्रेटर देन यूजुअल सेंसिटिविटी टू द स्टैंडर्ड डोज, कई बार क्या होता है कुछ पीपल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब हमने देखा लाखों के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लाखों में किसी एक के ऊपर वो ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गई, साइड इफेक्ट दे गई वो, है ना, तो ये सब देखना पड़ता क्योंकि उसके जेनेटिक पैटर्न थोड़ा सा अलग था। स्क्रीनिंग, छटनी करना ऑफ इंडिविजुअल फॉर ए वैरायटी ऑफ सच डिफरेंसेस बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मे हेल्प इन इंडिविजुअलाइज द थेरेपी। अब स्क्रीन करते हैं किसके, स्क्रीन में छटनी करना, एक तरह स्क्रीन करना कि छाटना चाहिए, ये लक्षण वाले तुमको दवा दी गई तो ये सब मिला, ये सारे लक्षण देखने को मिले, तो हम लोग क्या इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल को छटनी कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ सच डिफरेंसेस बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मे हेल्प इन इंडिविजुअलाइज थेरेपी, है ना, हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं जिससे कि क्या होता है कि सबको, जाहिर सी बात है सबको तो साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी एक को ही होता है, तो स्क्रीन कर लिया जाएगा जिससे कि क्या होगा हमको थेरेपी देने में आसानी रहेगी, उसके सारे चीज़ें नोट कर ली जाती हैं, ठीक है, और हमको क्या है ड्रग्स को देना आसान हो जाता है। फार्माको जीनोमिक्स, वो जेनेटिक्स था, ध्यान रखना ये जीनोमिक्स है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक टेक्नोलॉजी, यानी कि फाइनली जीन्स की टेक्नोलॉजी टू ड्रग डिस्कवरी, ड्रग की खोज में हम लोग जीन्स टेक्नोलॉजी का अप्लाई करते हैं, ना, क्लास 12 में पढ़ा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड फर्दर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ओल्डर ड्रग, फिर हम लोग कोशिश करते हैं जो ओल्डर ड्रग्स हैं उनको और चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, अच्छा कर सके। ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से लोगों के ऊपर असर, ये जीनोमिक्स है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है ना, ड्रग की डिस्कवरी खोज कर रहे हैं। नाउ फार्मा कॉग्नोसी पता ही है, ये तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोर्सेस ऑफ ड्रग ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन, ये सबको पता है, ये भी फार्माकोलॉजी के अंदर आया था, फार्मेसी ये भी फार्माकोलॉजी के अंदर है, अब ये सब तो पता ही है। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग, और कंपाउंड पता है ना क्या होता है, पढ़ा होगा फार्मेसी का मीनिंग, याद है नहीं, कोई दवाइयाँ बनाना, डोज बनाना, प्रिस्क्राइब करना, मतलब फाइनली कितना लेना कितना नहीं, सब कुछ कंपाउंडिंग के अंदर आया था। और प्रिपेयरिंग सुइटेबल डोजेज, और क्या प्रिपेयर करना है, सुइटेबल डोज फॉर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन मैन एंड एनिमल एंड डिस्पेंसिंग ड्रग, ठीक है ना, तो फार्मेसी का वाला आ गया यहाँ पे सारा पार्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, कलेक्शन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, प्यूरिफाई करना है, प्योर करना है, आइसोलेट करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, ये सारे काम फार्मासिस्ट के है ना, तो फार्मेसी के अंदर आ गया ये, है ना, कि दवाओं को आइडेंटिफाई करें कौन सी दवा क्या है, देन सिलेक्ट करेंगे, अच्छा ये दवा ऐसी है, कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लिया, फिर प्यूरीफाई करना, ये सब मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहाँ पर आ गया ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल की बात हो गई है, ये तुम्हारी पेशेंट लेवल की बात होगी पेशेंट के लिए, है ना। नाउ क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल मतलब पहुंचे क्लिनिक में, यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज हेल्थ साइंस, है ना, हेल्थ साइंस की एक ब्रांच है, हेल्थ साइंस ब्रांच है, इन विच फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर, फार्मासिस्ट क्या है पेशेंट की केयर करता है, डेट ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी, है ना, जब तुम जाओ कहीं पे डॉक्टर पास जाओ तो डॉक्टर इतना नहीं होता है, जैसे कि मान लो जो फार्मासिस्ट वगैरह होता है, कई बार आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते होंगे तो फार्मासिस्ट आपको सलाह वगैरह देता होगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है ना, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो वही है ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी एंड प्रमोट्स हेल्थ, जिससे कि क्या हो हेल्थ प्रमोट हो, वेलनेस एंड डिजीज प्रिवेंशन, जिससे कि अच्छा होते हैं चीज़ें अच्छी हों, शरीर अच्छा हो जाए और आगे जाके डिजीज़ की रोकथाम भी हो सके, तो ये क्लिनिकल फार्मेसी ये ब्रांच ही, मतलब ये लास्ट की दो तीन ब्रांचें तो हम फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें फार्माकोलॉजी के अंदर काउंट की जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 11 पॉइंट थे इसके अंदर जो अदर ब्रांचेस के अंदर कवर करने हैं, ये सभी ब्रांचेस की एक एक दो लाइन की डेफिनेशन पक्के से याद करोगे, ठीक है ना,
ओके, जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें ये सब तुमको देना पड़ेगा। मैं टेस्ट में ये सब डालने वाला हूँ। यस, टेस्ट होंगे, अभी सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। परेशान ना हो, ठीक है। इस बार तो एकदम हिला दिया, मैंने कहा ना हिला देना, फोड़ देना इस बार एकदम। फार्मेसी हलवा हटाओ, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, जैसे कि फार्माकोपिया, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, लेकिन अब देख लें यहाँ पे, क्योंकि बाकायदा फार्माकोलॉजी के अंदर है तो बातें कुछ रिपीट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है ये फार्माकोपिया? हमें पता है ऐसी किताबें होती हैं जिसके अंदर सब कुछ दवाइयों के लिए, दवाइयों के बारे में लिखा होता है ना। इट इज एन ऑफिशियल रेफरेंस, रेफरेंस है, इसको देख कर ही हम सारे काम करते हैं। कंटेनिंग अ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड ड्रग, जो ड्रग एस्टैब्लिश हो चुके हैं मार्केट में हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक किताब बनाई गई। एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन, वो कैसे प्रिपेयर की जाएंगी, विद डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, टेस्ट वगैरह हर एक ना, टेस्ट कलर क्या रहेगा, एंड टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिटी, उनके टेस्ट लिखे होते हैं कि अगर क्या ये केमिकल यही है, उसके लिए टेस्ट भी लिखे रहते हैं इसके अंदर। एंड प्योरिटी एंड पोटेंशियल, की क्षमता लिखी रहेगी, प्योरिटी लिखी रहती है, ठीक है ना। एक ऑफिशियल बुक बनाई गई है, हर कंट्री की अपनी अलग अलग होती है ज्यादातर, और कई बार कुछ कंट्री दूसरी कंट्री की फॉलो कर लेती हैं। इट डिफाइंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर करने के सारे स्टैंडर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। अ फ्यू फेमस फार्माकोपिया एंड रेफरेंस बुक्स आर, कुछ आज के टाइम पे, ये ओल्ड तो पुराना वाला है ये, ठीक है ना, कुछ ऐसे हाथ से लिखा गया, ये सब प्रिंट देख लो, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ये अपनी इंडियन फार्माकोपिया है। कुछ आजकल देखो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत लंबी चौड़ी होती है, 1, 2, 3 अपनी तीन में है, ये लेटेस्ट अभी 18 में रिलीज किया गया है। तो ये फार्माकोपिया कुछ नहीं, किताबें होती हैं, आप लोगों ने शायद अपनी लाइब्रेरी में देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देखो फार्माकोपिया कैसा क्या होता है, ये सारी बातें होती है ना। तो कौन कौन है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी का फुल फॉर्म, इंडियन फार्माकोपिया, आईपी का फुल फॉर्म, कभी दवाई देखना, दवाइयों के उसमें ना लिस्ट में लिखा रहता है कि ये पैरासीटामोल मान लो लिखा हुआ है ना, पैरासीटामोल आगे लिखा रहता है 300 आईपी करके, ठीक है, क्या लिखा रहता है 300 आईपी। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूं यहां पर, ओके ठीक है, कोई पिक्चर क्लियर 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 पिक्चर क्लियर पिक्चर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने पिक्चर, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ आईपी, देखा आईपी मतलब ये जो प्रिपरेशन है ये इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनी हुई है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये देखो पैरासीटामोल टैबलेट, फिर यहाँ लिखा हुआ है आईपी, क्लियर है, क्या लिखा हुआ है आईपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कहीं पर बीपी भी लिखा रहता है, कुछ टैबलेट्स ऐसी होंगी जिसके अंदर क्या लिखा रहेगा बीपी लिखा रहेगा। पैरासीटामोल जो अपनी जो कंट्री में बनती है ज़्यादातर सब अपनी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सब जगह, ये देखो डोरो टैबलेट है ना 650, क्या लिखा हुआ आईपी, देखो ये आईपी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो आईपी क्या है, कुछ और नहीं है, बात समझ में आई, क्लियर है, तो हाँ बात समझ में आई। तो इस तरह की दवाइयों के आईपी बीपी ये सब लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर मेडिसिन उस फार्माकोपिया के हिसाब से बनी है, उस फार्माकोपिया में जो तरीका दे रखा है उसके हिसाब से बनी हुई है, क्लियर है बातें। आगे आते हैं नेशनल फॉर्मुलरी, देखो कुछ किताब उसकी ऐसी दिखाई पड़ेगी तुम लोगों को, है ना। क्या इट प्रोवाइड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन के बाद जो प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास, एंड ड्रग्स अवेलेबल टू प्रिस्क्राइबर्स, यानी कि जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने के लिए अवेलेबल हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। रेस्पेक्टिव कंट्रीज स्टेट और हेल्थ सिस्टम, ठीक है ना, हर एक कंट्री में या अपने स्टेट में हेल्थ सिस्टम में एक नेशनल फॉर्मुलरी है, ठीक है, उसके अंदर जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के लिए अवेलेबल है उसका सारा डाटा यहां पर मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी BNF इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, इन दोनों के कंबाइंड मिल करके ये लोग क्या करते हैं इसको रिलीज करते हैं, बात समझ में आ रही है। तो क्या होती है नेशनल फॉर्मुलरीज, क्लियर है, बता दोगे आप। एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल मतलब जरूरी, एसेंशियल मतलब जरूरी, जागो सो मत जाना, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी रहेंगे स्टार्टिंग के लेक्चर्स, अदरवाइज छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना।
नेशनल फॉर्मुलरीज क्लियर है? जाग रहे हो? ठीक है, आ जाओ इधर पे। WHO defines essential medicine as those that satisfy. Essential medicine उनको कहा गया जो satisfy करेगी the priority health care needs of the population. Priority health care, जो priority health care है population की, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, उनकी need को satisfy करने वाली दवाइयों को essential medicine कहा गया। तो क्या कह रहा है, essential medicines are intended, essential medicine का जो इरादा होता है, क्या इरादा है, टू बी अवेलेबल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम। ठीक है ना, यहां पे एक सिंपल लाइन जोड़ सकते हो अगर ये लाइन हैवी लगेगी, जो भी हेल्थ सिस्टम है, जो अपने सरकारी हेल्थ व्यवस्था वाली जो सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, हालत तो खराब होती है वैसे, बट ठीक है, ठीक है, वहां पर ये मेडिसिन हर समय अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ऑल द टाइम एंड एडिक्वेट अमाउंट, इतने पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए कि कम ना पड़े, इन अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म, उनका डोज फॉर्म भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, विद एश्योर्ड क्वालिटी एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, उनकी क्वालिटी, उनकी इन्फॉर्मेशन, एंड एट ए प्राइस द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी कैन अफोर्ड, और उस प्राइस पे होनी चाहिए कि कम्युनिटी अफोर्ड कर सके ना, सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो नॉर्मल विटामिन मल्टी विटामिन मिनरल्स है, और है ना, जैसे कि आजकल देख रहे हो तुम लोग वो चल रहे हैं कुछ दवाइयाँ सरकारी तरफ से काफ़ी फ्री दी जाती हैं, घर घरों में बांटी जा रही हैं, फलेरिया की मलेरिया की आकर के बांट दी जाती हैं, तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो एकदम, कहाँ जा रहे हो भाई, जो एकदम क्या बेसिक है, चाहिए चाहिए। वैक्सीनेशन देखा होगा तुम लोगों ने, अगर तुम लोगों को ध्यान होगा तो अभी मेरे ख्याल से, अभी तो मेरे को नहीं पता, लास्ट टाइम मैंने लगवाया था, जैसे कि हेपेटाइटिस के इंजेक्शन वगैरह है ना, ये सब इंजेक्शन वगैरह लगते रहते हैं, मतलब बाहर लगवाने जाओ तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, सरकार की तरफ से कुछ रुपए देने पड़ते हैं, 50 रुपए 100 रुपए, टाइफाइड और हेपेटाइटिस के लगे थे, तो ये क्या है, यही एसेंशियल है, मतलब जो चीज़ होनी है तो उसके लिए क्योर कर दो पहले से, ये बेसिक है, हो ही जाता है अक्सर लोगों को, तो वो मेडिसिन अवेलेबल रहनी चाहिए, तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, एसेंशियल मेडिसिंस। क्लियर है बातें, चलें आगे। ऑर्फन ड्रग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनाथ दवाइयां। ऑर्फन की हिंदी क्या होती है, अनाथ है ना, तो ये दवाइयां क्या अनाथ हो गई, ये अनाथ नहीं हो गई है ना, बेचारे बिना माँ बाप के हो गए, अनाथ इसलिए कहा गया इनको, इनको बेचारों को कोई मतलब बनाने को तैयार नहीं है, या कंपनियां क्यों नहीं बनाना चाहती हैं, इन दवाइयों में फायदा नहीं ज्यादा, क्यों फायदा नहीं है। एक्चुअली अनाथ दवाइयों से क्या मतलब है, ये वो दवाइयां होती हैं बच्चों जो एक्चुअली क्या है, कुछ खास कंट्री में छोटे से एरिया में ही बीमारी हो रही है, बहुत रेयर है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें कुछ लोगों को ही होती है, अगर कंपनी, अच्छा वो जब कुछ लोगों को ही होती है तो पहले कंपनी रिसर्च करेगी उसके ऊपर, प्रॉपर बनाएगी, टेस्ट करेगी, ट्रायल करेगी, फिर मार्केट में लेके आएगी, और खाने वाले कितने लोग, 100-200, क्या कंपनी को फायदा होगा, इतना रिसर्च करके खर्चा कर दिया उसने, नहीं होगा, तो कंपनियां कहते हैं यार हम नहीं बनाएंगे, मर जाए मतलब, ठीक है ना, तो अब यहां पे कौन स्टेप लेगा, सरकार को लेना पड़ेगा, तो ऐसी दवाइयां, ठीक है ना, उनको ही क्या कहा गया है, ऑर्फन ड्रग, और ऐसी डिजीज को क्या बोल दिया गया है, ऑर्फन डिजीज बोल दिया गया, बात समझ में आ गई होगी, जो बीमारियां बहुत रेयर है, बहुत कम है, क्योंकि दवाई बनाने की प्रोसेस तो बच्चों देखो वही है, रिसर्च करते हुए लेकर के आना, फिर मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीजें करना, ठीक है, तो उसमें खर्चा काफी होता है, रिसर्च में बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है, तो आओ देखें जरा ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, अनाथ, ठीक है, अनाथ इसलिए लग गया, पता चल जाए कि हाँ, क्योंकि इनको अब कोई देख रेख नहीं करना चाह रहा है इनकी, इसीलिए दीज आर द ड्रग्स फॉर डायग्नोसिस, ड्रग का काम क्या हो सकता है, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिजीज, रेयर मतलब जो इक्का दुक्का लोगों में होगी, सबको नहीं होती, इक्का दुक्का लाखों में करोड़ों में एकाध को होगी होगी, वरना नहीं होगी, और अ मोर कॉमन डिजीज बट एंडेमिक ओनली, या बहुत ही कॉमन होगी बट एंडेमिक होगी, यानी कि एंडेमिक मतलब एक छोटे से एरिया मान लिया, जस्ट लाइक आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, कहीं और पाई नहीं जाती है, तो यानी कि वो दवाई बस वहीं वहीं बिकेगी, कहीं और बिकेगी नहीं वो, ठीक है, इन पुअर कंट्रीज, और कंट्री भी काफ़ी पुअर है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही उन दवाइयों को, इतनी महंगी कोई कॉस्ट लग जाती है कंपनी के, मतलब जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको कॉस्ट काफ़ी हैवी हो जा रही है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही कंट्री, ठीक है ना, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है, ऑफ दीज ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शोज लिटिल इंटरेस्ट, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो दिखाती है बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना, वो इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाह रही, क्यों, दे आर यूज्ड फॉर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट, बहुत छोटे से पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल होना है, दैट मींस ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस, अब उनका लॉस होगा बहुत ज्यादा फिर तो भैया, फॉर द कंपनीज, बात समझ में आ गई, रीजन समझ में आ गया होगा, नाउ
रेयर डिजीज, रेयर मतलब इक्का दुक्का, है ना, समझ रहे हो ना, रेयर, विच ऑकर इन स्मॉल पेशेंट पॉपुलेशन, थोड़े से पॉपुलेशन के एरिया में हो रही है, दस आर ऑर्फन, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, ऑर्फन कहा गया है, बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डेट इज, इसीलिए इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा क्या कह दिया गया, ऑर्फन क्या गया, कह दिया गया है, डेट इज ओनली अ फ्यू अप्रूव ड्रग ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल आर कॉल्ड ऑर्फन डिजीज। इसकी वजह से क्या है, जिन्हें चिन्ह मान लो एक बीमारी है, उसके लिए मेन दवाई नहीं है, तो कुछ गिनी चुनी इक्की दुक्की दवाइयां हैं, उसी से काम चला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी डिजीज को क्या बोल दिया गया, ऑर्फन डिजीज, और इनके लिए जो दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं उनके लिए क्या बोल दिया गया, ऑर्फन ड्रग, अ ड्रग यूज टू ट्रीट प्रिवेंट डायग्नोस एंड ऑर्फन डिजीज इज कॉल्ड ऑर्फन ड्रग। ये मार्क करेंगे, क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं, बेचारे अनाथ हैं, कोई देखना नहीं चाह रहा, अब क्या कह रहा है, रेयर डिजीज और ऑर्फन डिजीज आर दोज, ये वो हैं जो कि मौजूद होती है मैक्सिमम 6-8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब निकाल लो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन मात्र 6% कहाँ कहाँ होगा, तो मतलब जब 6% है, 8% है, तो काम उतना ही करना पड़ेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, खाने वाले लोग कम है, ठीक है। अब ये क्या क्या हो सकती हैं, एग्जाम्पल के लिए एक जेनेटिक डिजीज ले लो, जैसे कि इन्फेंटाइल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस पीडीए, ठीक है ना, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ये खासकर बीमारी का नाम है, सारे याद ना रहे तो एक दो याद कर लेना, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है, पॉलीपोसिस, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा डिटेल में, कोई एक या दो याद कर लेना, ऑर्फन डिजीज के नाम पे एक दो बीमारियां याद हो जाएंगी तुमको, ठीक है ना। अब इन ये तो बीमारियां होंगी, अब कुछ दवाइयों के नाम कर ले याद, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग कौन कौन है, मिग्लूस्टेट, ठीक है ना, यूज फॉर टाइप 1 गॉशर डिजीज, इलोप्रोस्ट फॉर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद NYHA क्लास 3 और 4 सिम्टम्स। अब मैंने कहा ना यहाँ पर तुमको जस्ट रट लेना है, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाना है, जैसे मान लो ये एक सिंपल से याद कर लिया, ठीक है, बोसेंटेन फॉर WHO क्लास 2-4 सिम्टम्स, ठीक है ना, देन पैग्विसोमेंट यूज फॉर क्रोमैग्ली, क्रोमैग्ली क्या होता है पता है, बॉडी सेंटेड होती है, इसको याद कर लेना, छोटा सा एक ये हो गया, एक ये हो गया, गाउशर डिजीज वाला हो गया, ब्यूसल्फान यूज फॉर एलोजेनिक हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है ना, ट्रांसप्लांटेशन फॉर क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक तरह कैंसर है, तो यहाँ पे ब्यूसल्फान किस लिख दोगे, फॉर क्रोनिक माइलोजिनिक ल्यूकेमिया, तो इस तरह से ये यहाँ से आ जाएगा फॉर के लिए, ठीक है, बाकी लाइन छोड़ देना। तो इस तरीके से 2-3 तुम्हारे क्या होंगे, ऑर्फन ड्रग के नाम याद हो जाएंगे तुम्हारे पास, एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकते हैं। तो फिलहाल तो ड्रग याद रख लेना, कौन से डिजीज के लिए होते हैं वो बात की बात है, मिग्लूस्टेट, इलोप्रोस्ट, बोसेंटेन, पैग्विसोमेंट और ब्यूसल्फान। और मैंने क्या बताया था, जब भी कोई चीज़ याद ना हो तो अपना देसी तरीका है ना, ये तो खैर ठीक है, मिग्लूस्टेट, इलोप्रोस्ट, बोसा या बोसन टेन, इस तरह से याद करने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है ना, तो इस तरह से हमें याद करनी है चीज़ें। तो फिलहाल ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं बात समझ में आ गई, उसके 2-4 एग्जाम्पल है, कुछ और एग्जाम्पल सिंपल सर्च कर सकते हो, अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, पसंद ना आए काट के अपने लिख लो, लकीर का फकीर थोड़ा बनना है, ठीक है, खुद से ही थोड़ी मेहनत करनी है। ओके, नाउ वेरियस कंट्रीज हैव इनेक्टेड लॉस, कई कंट्री ने लॉ बना दिया इन दिस रिगार्ड, इस पर इस सब चीज़ों को चलते हुए कि भाई दवाइयों में कोई तो देखो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, एंड प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सपोर्ट फॉर ड्रग डेवलपमेंट, वो कंपनीज को क्या कर रही है, तुम करो खर्चा हम देंगे, ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब काफ़ी हाई लेवल की होती है, वो सारी उनके पास लैब्स पहले से उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो वो कंट्री कह रही है, सरकार कह रही है तुम करो खर्चा आएगा, उसका लिस्ट हमारे पास भेजो हम करेंगे, है ना, कुछ खर्चा तुम करो कुछ हम करेंगे, बनाओ, क्लियर है, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। ओके, हमारे लोग नहीं मरने चाहिए, ठीक है, अच्छे लोग है ना, अच्छी सरकारें जो होती हैं वैसा करती हैं। आगे आते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग, अब देखो यहाँ पे फटाफट एक रीड मारेंगे, सबको पता है सोर्सेस ऑफ ड्रग, ड्रग्स आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम प्लांट एनिमल माइक्रोब्स एंड मिनरल सोर्सेज, नाउ डेज मेजोरिटी ऑफ है ना प्लांट एनिमल माइक्रोब्स से मिलते हैं, नाउ डेज अ मेजोरिटी ऑफ थेरापेटिकली यूज ड्रग, जो थेरापेटिकली मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप जिसको दिक्कत है तो पॉज करो, थेरापेटिकल का मीनिंग देख ले, अरे भाई भाएंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर पे, ठीक है ना, थेरेपेटिकली मतलब जो चिकित्सीय है ना, यूज ड्रग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली और सेमी सिंथेटिक, थोड़ा सा आर्टिफिशियल थोड़ा सा नेचुरल,
अब वेरियस सोर्सेस आर गिवन एज बिलो, एनिमल सोर्स, इंसुलिन, हेपरिन, गोनाड्रोपिन, मिनरल सोर्स, लिक्विड पैराफिन, फेरस सल्फेट, है ना, ये सोर्सेस दे दिए यहाँ पर। नेक्स्ट आगे आए अगर हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या मिल रहा है हमको, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई से पेंसिलिन मिल जा रही है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक हमें दे रहा है उसके अलावा प्रोडक्ट आर सम प्रोडक्ट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये एक एंजाइम है, एन एंजाइम फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कोकाई बैक्टीरिया का जो शेप होता है उसके आधार पर नाम रखा गया है, स्ट्रेप्टोकोकस पॉलीजीन्स एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। अब ये एंजाइम कहीं ना कहीं उसके लिए जो है क्लॉट को रोकने के लिए काम आता है, मतलब ब्लड को रोकने के लिए काम में आता है, ठीक है। विटामिन B12 तो मल्टी विटामिन है, तो एंटीबायोटिक भी मिल रहे हैं हमको, क्या क्या मिल गया, एंटीबायोटिक तो मिला ही मिला, कुछ एंजाइम दे रहा है जो हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ विटामिन दे रहा है हमारे लिए कुछ फायदेमंद है, ह्यूमन बींग्स इंसानों से भी कुछ दवाइयां बन रही है, दीज प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड, ब्लड निकाला, इंसान को मारेंगे नहीं भाई कुछ सोच रहा हो कि इंसान से ही बन रहा है, इंसान को मार काट करके निकाल रहे हैं, नहीं सुनो, खून निकाला, खून को फिर फिल्टर कर लिया, देखा हो ना खून निकाल लेते हैं और फिर उसमें से प्लाज्मा एंटीबॉडीज अलग कर ली, फिर ब्लड वापस चढ़ा दिया जाता है, अभी ये सब बहुत चल रहा था कोरोना टाइम पर, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से क्या निकाल लिया, इम्यूनोग्लोबिन निकाल लिया, ब्लड वापस चढ़ा दिया बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन्स, हार्मोन्स अलग निकाल लिए जाते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जब बच्चा हो रहा होता है तो वहां से उसका एक्सट्रैक्ट को निकाल लेते हैं जो कि आगे काम में आता है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ये वाला हार्मोन निकाला जाता है कहां से, प्रेग्नेंट वुमेन की यूरिन से, तो यहां पे इंसान को नहीं मारा जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ओके आगे आते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड, ये सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल है, खुद से बना रहे हैं हम लोग। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, एंटी माइक्रोबियल है, हिप्नोटिक्स हैं जो हिप्नोटिज्म क्रिएट करते हैं, है ना, एंटी कैंसर ड्रग्स आ गए यहाँ पर। देन जेनेटिक में ह्यूमन इंसुलिन सबको पता है, पढ़ाई है फर्स्ट ईयर में, ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, हाइब्राइडोमा टेक्निक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आता है, प्लांट सोर्स पता ही है, द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स इन वेजिटेबल ड्रग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेस्ट। अब प्लांट सोर्स के लिए कौन कौन से आ गए, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, पढ़े हुए हैं अभी ना तो पढ़ लोगे अब इसको, है ना, दीज आर वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनके वो सब दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, एक दो दो तुम लोग याद कर लोगे, ग्लाइकोसाइड दे रखे हैं, ईथर लाइक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है कंबाइंड विद शुगर से जो जुड़े हुए होते हैं, ना याद आ रहा है, अभी भी जस्ट टेस्ट करके निपटे हो गए, याद आने चाहिए चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर एक ग्लाइकोन और ग्लाइकोन वाले पार्ट का बात किया था मैंने, जिसे जेनिन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स, डिजिटेलिस, सेना, ये क्या याद कर लोगे, ये ऑयल्स फिक्स्ड ऑयल होते हैं और कैसे होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, दीज आर ग्लिसराइड्स ऑफ ऑयलिक, पामेटिक एंड स्टेरिक एसिड स्ट्रक्चर्स के नाम है केमिकल के, मोस्टली फिक्स्ड ऑयल आर एडिबल, खाने लायक होते हैं, यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। द फिक्स्ड ऑयल यूज्ड एज ड्रग्स आर एज फॉलोज, जो ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, कैस्टर ऑयल, कोका बटर, वॉलेटाइल ऑयल बताया था जो उड़ जाते हैं, है ना, टर्पेंटाइन, लेमन ऑयल, पेपरमेंट, ये सब तो पड़ा हुआ है अभी, रेजिन्स, है ना, रेजिन से पड़ा हुआ, दे आर ऑक्सीडाइज और पॉलीमराइज वॉलेटाइल ऑयल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हाँ नहीं अगर ना याद आए तो फिर कह रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा एक बार वापस जा करके जो जहाँ पर ये सब दे रखा था एक बार रिवाइज कर लेना, तो या फिर बस रेजिन्स क्या होते हैं एक लाइन में ये और उसके एक दो दो एग्जांपल याद करने, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऑयलो गम रेजिन, बल्सम, बल्सम ऑफ तोलू, ये सब हमने पढ़ रखा है। देन गम्स की बात करें, दीज आर द सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, प्लांट अपने अंदर से क्या करता है, निकालता है बाहर। ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हाइड्रोलिसिस कर दें इसको, दे यील्ड सिंपल सुगर लाइक पॉलीसैकेराइड, हाइड्रोलिसिस होने पर यानी कि तोड़ने पर ये सिंपल सुगर लाइक पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। दे आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस, ये फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, नोट करेंगे। एंड मेनली एम्प्लॉयड एज अ सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो इसका कोई भी हमारी बॉडी के ऊपर असर नहीं है, केवल दवाइयों को बनाने में काम आता है, या इसको पॉइंट को मार्क कर लेंगे अच्छे से। द वाइडली यूज्ड प्रिपरेशन आर गम, अकेसिया और ट्रैगाकांथ, इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है ना। टैनिंस, दीज आर नॉन नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, केमिकली दीज आर फिनोलिक, फिनोलिक होते हैं ये, कैरेक्टराइज बाय देयर एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है ना, जो टिश्यू वगैरह सिकोड़ देते हैं। टैनिंस आर जनरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड बर्न्स, ठीक है ना। केवल कौन सा प्लांट सोर्स था, गम, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं है,
क्लियर है। द इंपॉर्टेंट प्लांट विच कंटेन टैनिंस आर हिरडा, आमला, बहरा, अशोका, बार्क, ब्लैक, कतेचू एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, चले आगे। नाउ ड्रग नॉमनक्लेचर अब्लिक नेमिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग नॉमनक्लेचर अब्लिक नेमिंग ऑफ ड्रग, है ना। यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट एक देखो जो पहले हमने पढ़ा था अभी ऑर्फन ड्रग, उसके बाद एक ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि ड्रग की नेमिंग कैसे करते हैं, है ना। जागो ग्राहक जागो। वीडियो को पॉज करें, पानी वानी पिए और छमका मारें मुंह पे और फिर आ जाए फटाफट। मजेदार चीज है, यहां पर तुम्हें अब चीजें क्लियर होगी। सर जेनरिक, और ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती है ना, जो मार्केट की जाती है, या जिनको एक होता है ना जेनरिक और एक पेटेंट मेडिसिन, में क्या अंतर है, क्यों जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है। जिन लोगों को मेडिकल स्टोर है उनको पता होगा जेनरिक मेडिसिन बड़ी सस्ती है, 3 रुपए की होता है, पत्ते पे प्राइस लिखा 50 रुपए का। ठीक है, आओ देखिए सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अभी। जेनरिक, खासकर जेनरिक मेडिसिन वाला जो बच्चों के दिमाग में रहता है या कईयों के दिमाग में रहता है कि जेनरिक मेडिसिन शायद लोकल क्वालिटी की होती है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आओ समझते हैं ड्रग नॉमनक्लेचर या नेमिंग ऑफ ड्रग। द थ्री ब्रांड ब्रॉड नेम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर एज फॉलोस, तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। केमिकल नेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर या साइंटिफिक नेम हो सकता है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी, समझेंगे अभी, प्रोप्राइटरी और ब्रांड नेम समझते हैं करके। केमिकल नेम तो भैया वही हो गया, है ना, जैसे कि CH4 को मीथेन कहते हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो नेमिंग करते हैं वही क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया। तो क्या बोल रहा है, इट इज द केमिकल या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, केमिकल है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग एंड शोज द स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, accompanied by diagram of the chemical structure, मतलब वही बात जो हम लोग पढ़ रहे थे pharmaceutical chemistry में, पूरा स्ट्रक्चर रहेगा और उसका नाम रहता है, यहाँ पर सारे एटम्स वगैरह स्ट्रक्चर है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल कौन कौन से लगे हुए हैं उसमें, वो सब रहता है उसके अंदर। ठीक है, केमिकल और साइंटिफिक नेम आर कॉम्प्लेक्स, काफी तेरे मेरे होते हैं, हमने देखा था बहुत सारी नेमिंग की थी हम लोगों ने, लॉन्ग होते हैं, कैन बी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, उनको बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, एंड आर यूजफुल टू फ्यू टेक्निकल ट्रेंड पर्सन, जो भाई ट्रेंड पर्सन है उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। अब तुम डॉक्टर से कह दो, ठीक है, या पेशेंट से कह दो पैरासिटामोल का असली नाम से बोल दो कि भैया ये लिया हो जाकर के, पगला जाएगा वो तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ दे रखा है एसिटाइल पी अमीनोफिनॉल इज ए केमिकल नेम ऑफ पैरासिटामोल, अब तुमसे कह दो भैया एसिटाइल पी अमीनोफिनॉल लिया हो जाकर के, या डॉक्टर ये लिख दिया पैरासिटामोल, आसान हो गया। अभी हम समझेंगे पैरासिटामोल का जो नाम है ये भी समझेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। तो केमिकल नेम हो गया उसका मेन केमिकल के हिसाब से जो IUPAC होती है एक तरह से। दिस नेम इज नॉट सुइटेबल फॉर रूटीन यूज, रोज के यूज के लिए ये नाम सुइटेबल नहीं है, बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स और कॉमन पीपल। भाई पैरासिटामोल याद रखना आसान है, बट ये नाम याद रखना आसान नहीं है। However, this name is very helpful for discovery of new compound. जब नया कंपाउंड ढूंढ रहे हैं तो पूरा जब नाम सामने रहता है तो वहां से हमें पता रहता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है। जब नया कंपाउंड खोज रहे हैं तो पूरा पूरा नाम सामने होना चाहिए, ठीक है ना। Now, international, non-proprietary, generic और approved name. Generic name बोल लो, approved name बोल लो, या international, ठीक है ना, अप्रूव नेम, इंटरनेशनल अप्रूव नेम या जेनरिक नेम। तो नॉन प्रोप्राइटरी मींस नॉट रजिस्टर्ड, नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क और पेटेंट और कॉपीराइट। ये नेम ऐसे हैं जो पेटेंट नहीं होंगे, कॉपीराइट नहीं होंगे, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी में एक नाम आता है अपना क्या, पैरासिटामोल को। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसलिए दे दिया है, देखो अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये जो है पैरासिटामोल, ये है तुम्हारा इंटरनेशनल वाला नॉन प्रोप्राइटरी, ठीक है ना। ये जो होता है पैरासिप या कालपोल, ये तुम्हारा ब्रांड नेम है, कंपनी खुद से दे रही है अपना नाम। बात समझ में आ गई? तो यहां पर देख रहे हो पैरासिटामोल पैरासिटामोल पैरासिटामोल, ये तुम्हारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम है या जेनरिक नेम है जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। किसके लिए? किसके लिए अप्रूव्ड है, ठीक है, एसिटाइल पी अमीनोफिनॉल के लिए एक नाम अप्रूव किया गया है, क्या, पैरासिटामोल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये बात यहां से क्लियर होगी होगी। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम INN इज एन ऑफिशियल जेनरिक एंड नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है ना, ये एक ऑफिशियल
जेनरिक एंड नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है गिवन टू फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो कि एक ड्रग को दिया जाता है. डेट इज दिस इज द एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड मतलब संक्षिप्त छोटा रूप होता है, एंड अप्रूव नेम ऑफ द ड्रग, और किसी एक ड्रग का एक अप्रूव नाम होता है कि पैरासिटामोल बोलेंगे तो वही है, कोई और नहीं होगा. क्लियर होगी बात. आगे आते हैं. इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम प्रोवाइड अ यूनिक स्टैंडर्ड नेम फॉर ईच एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. हर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हर एक जो केमिकल के लिए उसने खास नाम दे दिया है. दस मेकिंग कम्युनिकेशन मोर प्रिसाइज. इससे क्या है, कम्युनिकेट करना आसान हो गया. पैरासिटामोल का मतलब पैरासिटामोल ही है, कोई और ड्रग नहीं होगा. एंड अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग एरर. इससे क्या है, जब पैरासिटामोल लिख रहे हैं तो पैरासिटामोल ही आना चाहिए, कोई दूसरा ड्रग नहीं आएगा, प्रिस्क्राइबिंग एरर नहीं आएंगे इससे. ईच ड्रग्स आयन इज यूनिक. ठीक है, INN के अंदर जो भी ड्रग है वो यूनिक है. पैरासिटामोल का मतलब पैरासिटामोल है, किसी और का मतलब कुछ और है, एक के दो मीनिंग नहीं होंगे. ड्रग फ्रॉम द सेम थेरोपेटिक और केमिकल क्लास आर यूजली गिवन नेम्स विद द सेम स्टेम. अगर सेम थेरोपेटिक्स एक ही काम है, मतलब बीपी का लो करने का काम है, ठीक है, या डायुरेटिक का उसका काम है, तो उसका स्टेम, स्टेम मतलब उसका एक खास वर्ड सेम कर दिया जाएगा. जैसे कि सार्टन फॉर एंजियोटेंसिन ब्लॉकर. जिस किसी के पीछे कहीं सार्टन देख लो तो समझ लो वो क्या है, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है, बीपी में काम आते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल लोसार्टन. ठीक है, लो लगा दिया आगे सार्टन हो गया. नाउ एजीपाम सफिक्स फॉर बेंजोडाइजेपिन्स, है ना, जो बेंजोडाइजेपिन्स होंगे जो हमको दिमाग को रिलैक्स कर देते हैं, नींद लाते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं वगैरह वगैरह. तो एजीपाम जहां जहां लगा होगा, जैसे लोराजीपाम, डाइजीपाम, तो एजीपाम, एजीपाम, एजीपाम. अब ये हो गया स्टेम, यानी कि इनका काम सेम है, बस क्या है थोड़ा बहुत साल्ट में अंतर है, यानी कि इनका थेरोपेटिक जो है वो सेम है. ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है. प्रिल, प्रिल कहीं लगा होगा तो ACE इनिबिटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल. एस लगा होगा, ASC मतलब वो कोई एंजाइम होगा, एल्टीप्लेज. ठीक है ना, तो एक कॉमन नाम पीछे जोड़ दिया गया है जिससे कि हमको समझ में आएगा, अच्छा पाम लगा हुआ है मतलब एजीपाम लगा हुआ है, यानी कि ये सुलाने वाली दवा. सार्टन लगा हुआ है मतलब ये एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है. अब लोसार्टन, टेलमीसार्टन, है ना, टेलमीसार्टन भी आती है. तो इस तरीके से कई सारी दवाइयां आती है, तो इस तरह से ये स्टेम, इसको कहा जाता है स्टेम, पीछे एक चीज जोड़ दी जा रही सफिक्स. ठीक है, द नेचर ऑफ ड्रग कैन इजीली आइडेंटिफाइड बाय स्टडिंग द सफिक्स. ड्रग का नेचर क्या है, सफिक्स देख लो केवल, अच्छा एजीपाम है, अच्छा सार्टन है, अच्छा प्रिल है, अच्छा एज है, पता चल गया कौन सी ड्रग है. समझ में आ रही है बात, यही तो मजा होता है कि बस देखा ड्रग समझ में आ गया, भले कभी ना देखी हो, बस नाम पता था अरे ये तो इस काम में आती है, और आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हो फिर, और अच्छे फार्मासिस्ट भी बनते हो. WHO has laid down the general principles in naming a drug by the non-proprietary name. उसने WHO ने जनरल प्रिंसिपल इन नेमिंग ऑफ ड्रग, एक खास प्रिंसिपल तैयार किया हुआ है जिसके हिसाब से इनकी क्या है नेमिंग वगैरह की जाती है. क्लियर है, आगे आते हैं. However, the non-proprietary name may sometimes vary from country to country. जो non-proprietary name है even वो भी कई बार country to country अलग हो जाता है. Usually the British approved name BAN and the IN coincide. ये दोनों तो coincide, टकरा जाते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर क्या कह रहा है, and where the two differed the BAN was modified to match the IN. अगर कहीं पे इन दोनों में अंतर आता है तो जो ये है ये अपने आपको मॉडिफाई करता है जिससे कि IIN से मैच हो जाए, विद सम एक्सेप्शन. कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं कि हाँ मैच नहीं कर रहा है. वेयर द नॉन प्रॉपर्टी नेम ऑफ सम ड्रग्स इन UK एंड USA इज डिफरेंट. इन दोनों कंट्रीज में जो नॉन प्रॉपर्टी नेम है वो थोड़े से क्या है, अलग अलग है. कैसे, आओ देखते हैं. जैसे कि ये ब्रिटिश अप्रूव नेम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव नेम है. तो कई बार तुमने देखा होगा कुछ दवाइयों में क्या लिखा रहता है, एड्रेनलिन, कहीं लिखा होगा एपिनेफ्रिन, डेक्सा एम्फिटामाइन, डेक्ट्रो एम्फिटामाइन, एर्गोटोमेट्रिन, एर्गोनोविन, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, है ना. दोनों का काम सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, एक ही चीज है. हायोसिन, स्कोपोलामाइन, आइसोप्रिनालीन, आइसोप्रोट्रिनोनोल, ठीक है ना, लिग्नोकेन, लिडोकेन. तो ये कुछ क्या है कि कॉमन नेम है जो कई जगह थोड़ा सा अलग है. ठीक है, अब देखो पैरासिटामोल और एसिटामिनोफिन, दोनों नाम से हमारी इंडियन मार्केट में दवाइयां मौजूद हैं. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, है ना. तो ये दोनों भी सेम है भैया, ठीक है. और क्या चीज है, रिफैम्पिसिन और रिफैम्पिन, ये दोनों भी सेम है. देखो जो लोग जानते होंगे, टीबी की दवाई होती है ये,
ठीक है, सालब्यूटामॉल और एल्ब्यूटिरॉल, देन फिरोसमाइड और फिरोसमाइड, ओ लग गया यहां पे बस, ये फ्रूसमाइड है, ये फिरोसमाइड है। तो यहां पर क्या है, दवाइयों के कॉमन नाम जैसे मैंने बताया, यहां पे पैरासिटामोल का हम लोग देख सकते हैं, इवन जो नॉन प्रॉपर्टी नेम है वो भी कुछ कंट्रीज के मैच नहीं करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है नहीं करते हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए कहां पर कैसा है, थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि नॉन प्रॉपर्टी नेम क्या होते हैं, कहां से कौन बना रहा है इनको, किन कंट्रीज में सेम है, कहां डिफरेंट है, थोड़ी बहुत नॉलेज, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, जेनरिक नेम कैन बी यूज बाय एनीवन एंड इट रिमूव द कंफ्यूजन। ये जो नेम है इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये कंफ्यूजन को रिमूव करता है, गिविंग सेवरल नेम टू द सेम ड्रग, है ना, एक ही ड्रग को कई सारे नाम ना मिल जाए इसकी वजह से वो इससे बचा ले जाता है, जेनरिक नेम टू द सेम ड्रग विद द सेम केमिकल स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ हु मैन्युफैक्चर देम, ठीक है ना, कौन बना रहा है, जैसे मैंने अभी दिखाया था किसने नाम पैरासिप लिख दिया, किसने डोलो लिख दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर जब हम उसका नाम लिखते हैं ना पैरासिटामोल पैरासिटामोल पैरासिटामोल, तो हमको समझ जाता है भाई कंपनी कोई भी हो दवा एक ही है, ठीक है। अ जेनरिक ड्रग नेम इज नॉट कैपिटलाइज, देखो फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल, इसको हम कैपिटल वर्ड में नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है ना, एस्प्रिन और पैरासिटामोल, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, यहां पर आगे आते हैं, थर्ड है हमारे पास प्रोप्राइटरी या ब्रांड और ट्रेड नेम, अब तो क्लियर ही हो गया ये, है ना, दीज आर नेम गिवन टू द ड्रग बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी, क्या नाम है, सिप्ला के द्वारा पैरासिप दिया गया है, कालपोल दिया गया है जीएसके के द्वारा, ठीक है ना, देन ये क्या दे दिया गया है, डोलो दे दिया गया है। तो कंपनी के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी या ब्रांड नेम या ट्रेड नेम, ठीक है, आगे आते हैं, द इनोवेटर कंपनी कैन देन एक्सक्लूसिवली मार्केट एंड सेल दिस ब्रांड नेम प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड। अच्छा होता है क्या, यहां पर शुरुआत में कई बार क्या होता है, इनोवेटर कंपनी यानी कि पहली बार जब दवाई कोई खोज के लाएगा, पहली बार है ना, हम तो अभी अब देख रहे हैं, पहली बार कभी आई होगी मार्केट में, कुछ चीजें थोड़ा बहुत चेंज मतलब चीजों को मॉडिफाई करके, तो वो क्या करता है अपना ब्रांड नेम देता है, वो क्या करता है अपना ब्रांड नेम देता है, और वो उस समय कुछ समय के लिए जब दवाई नई नई मार्केट में आती है तो पेटेंट होती है, वो कोई और कंपनी नहीं बनाएगी सिवाय उनके, बात समझ जाए ना, ठीक है ना, ड्यूरिंग द पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड। तो क्या कह रहा है, द इनोवेटर कंपनी कैन देन एक्सक्लूसिवली मार्केट, जो इनोवेटर कंपनी है सिर्फ और सिर्फ वही मार्केट करती है उसको अपने ब्रांड के साथ, ठीक है, अब समझते हैं ना, अभी वो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर एक कई एक ही दवाई के कई सारे नाम अलग अलग कंपनी कैसे बना ले जा रही है वहां पे भी आएंगे अभी। अब क्या कह रहा है, कॉपीराइट लॉ प्रिवेंट एनी अदर पर्सन, जो कॉपीराइट लॉ होते हैं ठीक है ना, वो दूसरे लोग को रोकती है फ्रॉम यूजिंग द ब्रांड नेम, अब दूसरा कोई उसका ब्रांड नेम इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है, कोई उस नाम से तो मार्केट में वो दवा फेमस है, ठीक है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट लाइफ, जैसी पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, अ ब्रांडेड नेम ड्रग प्रोडक्ट इज एलिजिबल टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड एज अ जेनरिक ड्रग, जैसे ये पेटेंट एक्सपायर हुआ वैसे जो दूसरी कंपनी है सेम ड्रग को किसी और नाम से, जैसे मैंने बताया एक ही अपनी पैरासिटामोल था, तीन नाम से थे, यहाँ पे कई नाम से हो सकता है, ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगी, ड्रग जेनरिक हो गई, अब ये जब पेटेंट था तब वो कंपनी मोनोपोली कर रखी थी, अपने मनमाने रेट से कर रही थी सारी चीजें, है ना, उसकी मार्केटिंग भी किया उसने, तो उसका पैसा वैसा उसने इंक्लूड किया। अब जब जेनरिक हो गया, जेनरिक में अब क्या कर रहा है, कंपनी ने बना दिया पैरासिटामोल, सबको पता है पैरासिटामोल बुखार के लिए होती है, एक कंपनी में मान लो मैंने ही मैंने पैरासिटामोल बनाई, नीचे लिख दिया क्या, माइंड नर्चर, ठीक है, कंपनी बन गई माइंड नर्चर, या दवा का नाम क्या हो गया माइंड नर्चर, अंदर क्या है पैरासिटामोल, मार्केट में आई, अच्छा देखा क्या पैरासिटामोल है, ठीक तो है, बुखार तो उतारेगी, ले लो क्या दिक्कत है, नहीं मिल रही हमें कालपोल, नहीं मिल रही हमें डोलो, तो हम माइंड नर्चर की खा लेंगे, बात समझ में आ रही है। अब माइंड नर्चर ने तो कोई मार्केटिंग करी नहीं, उसने तो फायदा उठा लिया कि अच्छा पैरासिटामोल थी कर ली, अब वो क्या, वो उसको बड़ी सस्ती पड़ गई, वो दवा मुझको बड़ी सस्ती बनी मेरे से, वो तो मैंने मार्केट में उसे पत्ता 3 रुपए 4 रुपए का उतार दिया, प्राइस कंपनी वाले रखे उन कंपनी के जो रेट हैं 20 रुपए 30 रुपए वो रख दिए, तो इस तरीके से जो जेनरिक होता है वो सस्ता हो जाता है, जो पेटेंट वाला होता है वो महंगा हो जाता है, बात समझ में आ रही है, अदरवाइज कोई और अंतर नहीं होता है, कंटेंट में कोई अंतर नहीं होगा, हाँ जो मेन कंटेंट है पैरासिटामोल वो तो वही रहेगा, लेकिन बनाते वक्त जो हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव या एडिटिव डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, मेन कंटेंट क्या होगा नहीं बदलेगा, क्लियर है, आगे आते हैं,
ट्रेड नेम रेफर टू ए पर्टिकुलर कंपनी एंड अपियर्स विद द साइन आर. ट्रेड नेम देखा होगा ऊपर क्या लगा रहता है, आर लगा रहता है इस तरीके से, है ना, जो ट्रेड नेम होगा. एट इट्स अपर राइट कॉर्नर, है ना, उसके अपर राइट कॉर्नर में आर लिखा रहता है, विच इंडिकेट दैट नेम इज रजिस्टर्ड, वो नाम रजिस्टर्ड है, एंड इट्स प्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी एज द सोल ओनर. और उसका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ वही फार्मास्यूटिकल कंपनी करेगी, दूसरी नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल एंटी डायबिटिक ड्रग मेटफॉर्मिन मार्केटेड एज ग्लाइसीफेज. ठीक है, मेटफॉर्मिन इज ए जेनरिक नेम, ये तो जेनरिक नेम हो गया जो इंटरनेशनल लेवल पे दिया गया, वेयर एज ग्लाइसीफेज इज अ ब्रांड नेम. ग्लाइसीफेज क्या है, ब्रांड नेम है, देखो यहाँ पे इसका दिया होगा, ये देखो मेटफॉर्मिन क्या है हमारे पास, जेनरिक नेम, कोई भी है ना, ये हो गया जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, ये हो गया तुम्हारा ब्रांड नेम, रजिस्टर्ड है भैया. यानी कि मार्केट में मान लो किसी ने लिख दिया मैंने डॉक्टर ग्लाइसीफेज लिख रहा है, उसके अंदर है मेटफॉर्मिन ही, लेकिन ग्लाइसीफेज नाम से, अच्छा ग्लाइसीफेज कौन सी दवा खा रहे हो, ग्लाइसीफेज. होता क्या है, उसका प्रचार इतना ज्यादा होता है कि आदमी मेटफॉर्मिन भूल जाता है, आदमी के टिप पे क्या आ गया, ग्लाइसीफेज. वही मार्केट में एक दूसरी दवा भी मौजूद है जो मेटफॉर्मिन के नाम से ही है, आदमी को क्या रटा है कि नहीं भैया मेटफॉर्मिन नहीं है, हम तो ग्लाइसीफेज खाते हैं. जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो यही समझते हैं, नहीं पढ़ पाते अंदर, वो कहते भैया मेटफॉर्मिन, दुकान वाला समझा रहा भैया दोनों एक ही है, वो कह रहा नहीं हमें ग्लाइसीफेज ही दो, डॉक्टर ने ग्लाइसीफेज लिखी है. तो ये हो गया ब्रांड नेम, वो अपना ब्रांडिंग कर दी उसने कि पेशेंट वही खाएगा. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है. तो बस यही सब चीजें होती हैं, ब्रांडिंग का मतलब समझ रहे हो. तो ये ट्रेड नेम हो गया, आगे आते हैं, क्लियर है बातें. ओके, वन ड्रग कैन हैव मैनी ट्रेड और ब्रांड नेम. मैंने बताया अभी एक ड्रग कई सारे हो सकते हैं, अभी पैरासिटामोल का दिखाया था मैंने. फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल जिसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन भी है, हैज मोर देन 30 ट्रेड नेम, उसके 30 से ज्यादा ट्रेड नेम है. सम ऑफ दीज आर, कुछ की अगर बात करें, क्रोसिन, पेनाडोल, कालपोल, है ना, इस तरह से बहुत सारे नाम है इसकी. अब क्या कह रहा है आगे, मजा आया, क्लियर हो गया. जेनरिक पेटेंट क्या होता है, अ जेनरिक मेडिसिन इज अ लेजिटिमेटली प्रोड्यूस. एक जेनरिक मेडिसिन लेजिटिमेटली, कानूनन जो उसके तौर तरीके उसी हिसाब से तैयार की जाती है, भाई लिखा रहता है ना उसके आगे भी आईपी या बीपी, तो प्रॉपर बनती है. दैट इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द इनोवेटर या ओरिजिनेटर प्रोडक्ट, जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है, जो इनोवेटर यानी जिसने मेन शुरुआत में बनाया होता है, बिल्कुल उसकी कॉपी होती है. कौन, जेनरिक मेडिसिन, एंड परफॉर्म इन एग्जैक्टली सेम वे, और बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे कि वो करती है. ठीक है, अब फिर जो मैंने अंतर बताया, अंतर समझ में आ गया. पेटेंट वाले ने क्या किया, पूरा मार्केट किया, है ना, एमआर लगा करके उसकी मार्केटिंग करवाई, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है. दो ब्रांड नेम ड्रग एंड इट्स जेनरिक वर्जन मस्ट हैव द सेम, मस्ट हैव सेम एक्टिव इंग्रीडियंट, डोजेज, स्ट्रेंथ, यूजेज डायरेक्शन, सेफ्टी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड यूज. दोनों में जेनरिक हो, पेटेंट हो, सब चीजें सेम होगी, कैसे खानी है, कितनी खानी है, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करनी है, सब कुछ. डिफर किसमें होगा, डिफर इन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे कि मैंने बताया था प्रिजर्वेटिव अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, टेस्ट अलग हो सकता है, पैकिंग अलग हो सकती है, केवल इनमें अंतर आ सकता है, मेन कंस्टेंट में अंतर नहीं होगा, चाहे जेनरिक हो चाहे पेटेंट हो. क्लियर है, बहुत बच्चों को परेशान करती है बात, क्लियर एकदम. आगे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेनरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग्स मस्ट मीट द एग्जैक्ट सेम स्टैंडर्ड्स फॉर इक्विवेलेंसी ऑफ इफेक्टिवनेस. जो उसका इफेक्टिवनेस है वो इक्वल होना चाहिए, सेफ्टी प्रोफाइल इक्वल होनी चाहिए, क्वालिटी इक्वल होनी चाहिए, एक्सेप्ट कॉस्ट, कॉस्ट अलग हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. द डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन द जेनरिक एंड द ब्रांड नेम ड्रग इज मेनली ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेवलपमेंट कॉस्ट. उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है दोनों की अलग अलग होती है. एज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द जेनरिक वर्जन डू नॉट इनकर एक्सपेंस ऑन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग द जेनरिक वर्जन. उसने जो क्या कहते हैं जेनरिक वाला था कंपनी, उसने ना तो उसे रिसर्च करके बनाया, ना उसको मार्केट करने में खर्च किया, ठीक है ना, तो सस्ती पड़ी उसे वो. विच इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू ड्रग, जो नए ड्रग के लिए चाहिए होती है. दस द मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस द ड्रग एट लोअर यूनिट कॉस्ट एंड सेल इट फॉर लेस. तो इसीलिए जो जेनरिक मेडिसिन होती है छोटे कम कॉस्ट में बन जाती है और कम दाम में बिकती है. फर्दर द कंपटीशन कीप द प्राइसेस ऑफ जेनरिक मेडिसिन डाउन. और जो कंपटीशन है अब भाई, जब उसका पेटेंट खत्म हो गया तो सब कंपनियां टूट पड़ी कि हम भी बेच लें, हम भी बेच लें, हम भी फायदा उठा लें, तो कंपटीशन है. अब कह रहे हैं हमारा थोड़ा सस्ता हो जाए तो हमारी ज्यादा बिकेगी,
तो इस तरीके से उसके रेट क्या रहते हैं, थोड़े से डाउन रहते हैं। क्लियर है? नाउ फिफ्थ पार्ट, रेगुलेटरी ओवरसाइट, नियमों की निगरानी। भाई देखरेख भी तो करनी पड़ेगी, कितना फर्जीवाड़ा होता है दवाइयों में, पता तो होगा ही, नकली दवाइयां मार्केट में रहती हैं, है ना। चलो आते हैं हम लोग, तो कह रहा है अब कौन रेगुलेट करेगा, कैसे रेगुलेशन होता है इनका, ठीक है। ओवरसाइट मतलब निगरानी, ओवरसाइट मतलब निगरानी या देखरेख, ठीक है ना। द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी DRA ओवरसीज, देखरेख करती है द अप्रूवल की ड्रग को अप्रूव करना है या नहीं करना, एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग, उसका अप्रूवल और रेगुलेशन, कम ज्यादा कैसा क्या देखरेख करनी है, ठीक है। कौन करता है? DRA, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्लियर है? फॉर ए ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब इन मार्केट, मार्केट में ड्रग को प्रिस्क्राइब होने के लिए द मैन्युफैक्चरर नीड्स द अप्रूवल ऑफ द DRA। अब जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसको DRA का अप्रूवल चाहिए कि भाई देखो हम ये ड्रग बना रहे हैं, देख लो आकर के। DRA से टीम आएगी, चेक करेगी यहाँ सब कुछ ओके है, उनका पूरा सामान, उनका बनाने का तरीका, ठीक है, उनके सारे इक्विपमेंट वो सब ओके हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब ओके है, दे देती है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइसेंस, फिर उसको लाइसेंस मिल जाता है, नोन फॉर्मली एज मार्केटिंग ऑथोराइजेशन, यानी कि उस लाइसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग ऑथोराइजेशन कहते हैं। उस प्रोडक्ट को DRA के द्वारा क्या मिल गया, ऑथोराइजेशन मिल गया कि बेचो, ठीक है, तुम ओके हो। प्रोडक्ट लाइसेंस परमिटिंग लाइसेंस होल्डर्स, प्रोडक्ट जो लाइसेंस होता है वो परमिट करता है, अलाउ करता है लाइसेंस होल्डर को, जिसको लाइसेंस मिल गया है, टू सेल मेडिसिनल प्रोडक्ट इन मार्केट, कि वो मार्केट में मेडिसिनल प्रोडक्ट को बेच सके। क्लियर है? तो यही रेगुलेशन ओवरसाइट यहाँ पे आ रहे हैं। टू गेट दैट अप्रूवल, उस अप्रूवल को पाने के लिए द मैन्युफैक्चरर मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं दवाइयों को बनाने वाले, उनको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है ऑफ ड्रग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड इन लॉ एंड एजेंसी रेगुलेशन। मैन्युफैक्चरर को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं ड्रग की सेफ्टी को लेकर के और ड्रग के इफेक्टिवनेस को लेकर के, कि ड्रग उतना असर करेगा अकॉर्डिंग, जो कि कहाँ है वो, किसके अकॉर्डिंग करेगा, जो कि स्पेसिफाइड है लॉ एंड एजेंसी में, जो DRA के पास पूरा सिस्टम रहता है कि इसके हिसाब से तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर्स दैट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पजेस DRA इंस्पेक्शन, जो प्लांट पहले सेटअप हुआ, ऐसा तो नहीं कि बस हाँ कि स्टेलाइजेशन करने का साधन नहीं है, मशीन पुरानी है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका सारा इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन होगा पहले, एंड ऑब्टेन DRA अप्रूवल की हाँ हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, हम बनाने के लिए रेडी हैं। फॉर द ड्रग लेबलिंग, दैट इज एवरी लाइसेंस फॉर ए मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द अप्रूव्ड यूजेस ऑफ द ड्रग, ठीक है। ड्रग की लेबलिंग में क्या क्या रहता है, ठीक है ना, क्या क्या रहेगा हमको पता है, दैट इज कह रहा है हर एक लाइसेंस फॉर ए मेडिसिन, जितने प्रोडक्ट बनाओगे उतने लाइसेंस लेने होंगे उतने प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द अप्रूवल यूज ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन। अब लेवल के ऊपर क्या क्या रहता है, प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन फॉर फिजिशियन, फॉर एग्जाम्पल डोज का फॉर्म कैसा है, पैकेजिंग, थेरोपेटिक इंडिकेशन, पैकेजिंग के बारे में, थेरोपेटिक इंडिकेशन के बारे में, डोज के बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंजेक्शन है तो मसल में लग सकता है कि नस में लग सकता है कि दोनों में लग सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर कोई है तो, प्रिकॉशन अगर कोई लेनी है तो, स्पेशल वार्निंग अगर कोई देनी है तो, वो सब चीज़ें लेवल के ऊपर रहती हैं, है ना, कि इसको इस टेम्परेचर पर रखें, देखा होगा तुमने बच्चों की पहुँच से दूर रखें, सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हो सकती है तो, ड्रग इंटरेक्शन एंड पेशेंट ब्राउचर। पेशेंट ब्राउचर क्या होता है, कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कुछ मेडिसिन होती है खोलो तो अंदर एक खर्रा सा निकलता है, अलग अलग भाषा में उसमें सब लिखा रहता है ना, वो खर्रों की बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट ब्राउचर कहते हैं। पेशेंट ब्राउचर क्या है, एन इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, एक ऐसा ब्राउचर है, एक ऐसा खर्रा है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट को लेकर के, कि सारी बातें बताता है पेशेंट को, हेल्थ केयर यूजर एंड देयर फैमिलीज अबाउट द केयर डेट इज बींग ऑफर्ड, है ना, वो हेल्थ केयर यूजर और जो उसकी फैमिली को लेकर जो भी उसमें दवाई को लेकर केयर है वो सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं, एंड एड टू द इन्फॉर्मेशन गिवन वर्बली बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, है ना, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को वर्बली देनी चाहिए, मुंह से हमको बतानी चाहिए, कई बार नहीं हो पाती है, बहुत सारी बहुत डिटेलिंग होती है, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी रहती है ना, जैसे दवा डॉक्टर बोलेगा ये मत करना, ये मत करना, इसके साथ ये मत करना, ये मत खाना, ये दवाई ऐसा कर सकती है, दवाई ऐसा कर सकती है, दवाई में ऐसा होता है हमें बताना, तो सारी इन्फॉर्मेशन उस खर्रे के अंदर लिखी रहती है। क्लियर है? अब क्या है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड, हर कंट्री की अपनी DRA है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, टू एश्योर द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग।
नए ड्रग की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनको देखने के लिए हर कंट्री का अपना क्या है, DRA है। तो थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है ना, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हमने बताया था, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होगा, पेशेंट को दवाई दी जाती है और उनके इफेक्ट वगैरह देखे जाते हैं, एंड बायोफार्मास्यूटिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इन डोजेस फॉर्म एंड द फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑब्जर्व्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है बायोफार्मास्यूटिक्स, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे ऊपर क्या असर दे रहा है, क्या केमिकल प्रोसेस करेगा ऑफ द ड्रग इन डोजेस फॉर्म, ठीक है, एंड द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी पता ही क्या होती है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होगी, क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑब्जर्व आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब ड्रग को दे दिया है तो हमको उसकी क्या ऑब्जर्व करना है, बायोफार्मास्यूटिक्स देखनी है, ठीक है। तो बायोफार्माकोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिक्स डाटा इन सपोर्ट ऑफ द न्यू ड्रग, यानी कि ये कब अप्रूव देगी, जब तुमने ड्रग को क्या कर रखा है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिक्स का डाटा अवेलेबल रहेगा और वो डाटा सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए और वो तुम्हारे नए ड्रग के सपोर्ट में होना चाहिए कि हाँ हमारा नए ड्रग सब अच्छा है, तब कहीं जाकर के न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड लाइसेंस एप्लीकेशन रिव्यू प्रोग्राम डाटा इन सपोर्ट ऑफ द, अच्छा ठीक है, कहना चाह रहा है ये सारा डाटा जो होता है वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन और एंड लाइसेंस एप्लीकेशन रिव्यू प्रोग्राम, अगर लाइसेंस को रिव्यू करना है वापस से तो ये सारा डाटा क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, इस डाटा को DRA मैच करती है, देखती है कि हाँ डाटा सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तब कहीं जाकर के हमको क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है। आगे आते हैं, रेगुलेटरी ओवरसाइट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम सेलिंग और फ्रीली एडवर्टाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन देखो यहाँ पर, रेगुलेटरी क्या कर रही है, रेगुलेटरी ओवरसाइट जो देख रेख कर रही है इनकी, ये जरूरी है टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम सेलिंग और फ्रीली, ये नहीं कि हर कोई कुछ भी बेचने लगे और आजादी है बेचने की, एडवर्टाइजिंग द बेनिफिट एंड सेफ्टी इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट कंटेनिंग कोकेन और ओपियॉइड्स। अब हमको सबको पता है कोकेन और ओपियॉइड से कुछ हेल्थ मतलब वैसा भी है, नशा कर लो तो एक अजीब सा होने लगता है, अब ऐसा ना हो कोई कोकेन ओपियॉइड को बेच रहा है आराम से, है ना, उसकी एडवर्टाइज कर रहा है भाई खाओ मजे लो एनर्जी आएगी, है ना, नशा करके है ना, कुछ लोग खिलाड़ी लोग जो होते हैं प्लेयर्स जो होते हैं नशा कुछ एक खास टाइप की मेडिसिन होती है उनकी स्टेमिना बढ़ जाता है, तो इन सबको भी देख रेख करने कोई ऐसा तो नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया, तो इन सब चीजों पे भी ये नजर रखती है। DRA रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, न्यू ड्रग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, DRA के लिए, कि नया ड्रग मार्केट में आया है तो DRA ही अप्रूव करेगी तभी आएगा मार्केट में। एंड मेडिसिनल डिवाइस, अगर कोई मेडिसिनल डिवाइस है ना, मान लो CT स्कैन की मशीन थी कभी आई होगी तो DRA ने ही अप्रूव किया होगा, MRI एक्सरे मशीन जब मार्केट में आई होगी तो DRA ने ही अप्रूव किया होगा तभी आई है मार्केट में, ठीक है ना, एज वेल एज ओवरसाइट ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिनल डिवाइस ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, नया आना है या ड्रग्स और डिवाइसेस जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उनकी भी देखरेख चलती रहती है, ऐसा तो नहीं कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हो पेशेंट के अंदर, ठीक है, दिस इंक्लूड बोथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड ओवर द काउंटर ड्रग। अब रेगुलेशन में दोनों टाइप की ड्रग्स अवेलेबल है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो डॉक्टर लिखता है, ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर कौन से होते हैं, मूव ले लिया हमने जाकर के, है ना, मूव ले ली, विक्स ले ली, ये सब ड्रग कैसे हैं, ओवर द काउंटर ड्रग है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इसकी भी देखरेख करती है ये, ठीक है। तो ओवर द काउंटर OTC ड्रग कौन से होते हैं, ड्रग्स डेट डू नॉट रिक्वायर अ प्रेस्क्रिप्शन, जिसको लेने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उन्हें हम OTC ड्रग कहते हैं। ऑल्सो डायट्री सप्लीमेंट सच एज विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल्स एंड हर्बल मेडिकेशन, इवन दो मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव सिग्निफिकेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज आर नॉट रेगुलेटेड, मतलब डायट्री सप्लीमेंट है ना, विटामिन ले रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ अमीनो एसिड्स खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हैं, हर्बल मेडिकेशन खा रहे हैं, तो ये जबकि इनके अंदर कई सारे सिग्निफिकेंट खास फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं बट ये रेगुलेटेड नहीं की जाती हैं, दे आर नॉट रेगुलेटेड। मेन हमारा क्या रहेगा, जो हमारे ड्रग्स थे उन वो सब काउंट होते हैं, जो हमारे हमारे मल्टी विटामिन्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो डाइट के तौर पे ली जाती है, खाने के तौर पे ली जाती हैं, उनके ऊपर ये रेगुलेशन नहीं बनाती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास पहले के 5 पॉइंट, जिसके अंदर 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक ऑर्फन ड्रग और एक ये जो हम लोगों ने रेगुलेटरी ओवरसाइट ये था, और इसके जो जेनरिक और ब्रांड नेम की बात कर रहे थे हम लोग, ये 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर, जो हमको जनरली इस बात को समझना था, और क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है ना, ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं,
अब तुम्हें जेनरिक पेटेंट का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है और क्या करना है वो तो पता ही है, क्या करना है, रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है। मैं टेस्ट भी लूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, सारे काम करूंगा इस बार, और तुम लोगों के लिए सरप्राइज भी है इस वीडियो के बाद, उम्मीद है वो लेक्चर आएगा जिसमें तुम लोगों को सरप्राइज मिलेगा ये। ठीक है, तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहें और बार बार रिवाइज करते रहें और इस बार फोड़ देना है। ऑल द बेस्ट।